हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एज ऑफ शेक्सपियर के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अब तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पीजीटी टीजीटी या नेट का जो भी एग्ज़ाम रहा हो उसमें आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एज ऑफ शेक्सपियर से रहे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। आज हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी इज़, जो रोमांटिक कॉमेडी है उसके फाउंडर किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, थॉमस किड या थॉमस लोस। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन को रोमांटिक कॉमेडी का फाउंडर कहा जाता है। नेक्स्ट, बोसोला इज़ द नेम ऑफ एग्जीक्यूशनर इन, जो बोसोला नाम का एक कैरेक्टर है वो आपको कौन सी प्ले में देखने को मिलेगा, द ज्यू ऑफ माल्टा, द स्पेनिश ट्रेजेडी, मिडिल मार्च या द डचेस ऑफ माल्फी। तो ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा द डचेस ऑफ माल्फी में। द ऑथर ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ इज, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ ये एक वर्क है और ये किसने लिखा था, ए सी ब्रैडली, एलसी नाइट, ओ डी लेविस या फ्रैंक कर्मोड। तो ये लिखा था एलसी नाइट ने। द मेन थीम ऑफ फॉस्ट इच, ये डॉक्टर फॉस्टिस जो आपने पढ़ा होगा, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है ये डॉक्टर फॉस्टिस, तो इसकी जो मेन थीम थी वो क्या थी, ह्यूमन डिज़ायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस, डिज़ायर टू ट्रांसेंड फिजिकल लिमिटेशंस एंड टू गेन आंसर टू एटर्नल क्वेश्चन ऑफ लाइफ या पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। तो जो डॉक्टर फॉस्टेस थे उनकी जो डिज़ायर थी वो फिजिकल वर्ल्ड में रहने की थी, इसीलिए जो है उन्होंने अपने सोल को भी बेच दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमन डिज़ायर फॉर नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। सर थॉमस मोर द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग टू, जो सर थॉमस मोर हैं जिन्होंने यूटोपिया नाम का एक बहुत ही अच्छा जो है वर्क है उनका, तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड या स्कॉटलैंड। तो वो बिलोंग करते थे इंग्लैंड से। इन हेमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज हेमलेट्स घोस्ट अपीयर, हेमलेट में जो है कितने बार हेमलेट का घोस्ट अपीयर होता है। नाउ अगर हम देखें कि हेमलेट में कितनी बार घोस्ट अपीयर होता है तो बेसिकली इसका आंसर 4 होगा। इन हेमलेट द घोस्ट अपीयर्स 3 टाइम्स इन द प्ले, लेकिन जो है वो 3 टाइम्स भी कहा जाता है क्योंकि वो एक ही सीन में 2 बार भी अपीयर होता है। लाइक जैसे देखिए, द घोस्ट अपीयर्स टू मार्सल्स एंड बर्नार्डो इन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, तो सबसे पहले बार जब घोस्ट अपीयर होता है वो मार्सल्स और बर्नार्डो को होता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, लेकिन इट डज़ नॉट स्पीक, ये कुछ नहीं बोलता, इट एग्जिस्ट और ये इट एग्जिट्स, ये चला जाता है एंड री एंटर्स, देन इट एग्जिट्स अगेन, और फिर दोबारा दिखाई देता है और दोबारा एग्जिट हो जाता है, यानी कि 2 टाइम्स तो ये यहीं पर हो गया। देन अगेन और फिर इट अपीयर्स इन एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ, फिर ये एक्ट फर्स्ट और सीन फोर्थ में अपीयर होता है। द घोस्ट अपीयर्स टू हेमलेट इन एक्ट थर्ड सीन फोर्थ, और फिर जो है ये हेमलेट को एक्ट थर्ड और सीन फोर्थ में ये अपीयर होता है। तो यानी कि ये जो है टोटल 4 टाइम्स अपीयर हुआ। इन द फेमस क्लोजेट इंटरव्यू विद जर्ट्रूड एंड पॉलिनियस, जब जर्ट्रूड और पॉलिनियस के आपस में बातें हो रही थी, क्लोजेट सीन जब आया था, जर्ट्रूड एंड पॉलिनियस कैन नॉट सी द घोस्ट ओनली हेमलेट, और जो जर्ट्रूड थी और पॉलिनियस जो थे वो हेमलेट को घोस्ट को नहीं देख सकते थे, केवल हेमलेट ही देख सकता था। तो सो द घोस्ट अपीयर्स इन 4 डिफरेंट सीन्स, तो अगर बात करें तो जो है वो घोस्ट 4 डिफरेंट सीन में 4 बार जो है वो दिखाई दिया, लेकिन ये इट ब्रिज 2 सीन्स, यानी कि 2 सीन में जो है मतलब एक ही टाइम पर 2 बार ये अपीयर हुआ। तो सो इट ओनली रियली मेक्स 3 सेपरेट अपीयरेंसेस, तो अगर सेपरेट की बात करें तो ये 3 टाइम अपीयर हुआ और अगर टोटली बात करें तो ये 4 टाइम्स अपीयर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली सोनेट इज़ ए वर्क बाय, होली सोनेट किसने लिखे हैं, तो होली सोनेट लिखे हैं जॉन डॉनी ने। होली सोनेट जो है एक वर्क है जो कि इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट जॉन डॉनी ने लिखा है, और ये इसको जो है ये जो होली सोनेट है इन्हें डिवाइन मेडिटेशंस भी कहा जाता है या फिर डिवाइन सोनेट्स आप इसको कह सकते हो।
इट कंटेन्स ए सीरीज ऑफ 19 डेवोशनल पोएम्स, इसमें जो है 19 जो थी वो डेवोशनल पोएम्स थी। दी सोनेट्स वर पब्लिश पोस्थ्यूमसली इन 1633, 1633 में पोस्थ्यूमसली पब्लिश हुए थे। पोस्थ्यूमसली क्या होता है? पोस्थ्यूमसली होता है जब किसी राइटर के मरने के बाद उसका वर्क पब्लिश किया जाए। इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट्स, फर्स्ट एडिशन सॉन्ग और सोनेट्स का जब फर्स्ट एडिशन आया था 1633 में, उसमें ये पब्लिश हुए थे। अमंग दिस मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर हाईली पर्सनल, सच एज होली सोनेट 17। इनमें से जो है बहुत सी पोएम है जो पर्सनल है, जैसे कि होली सोनेट 17 एंड एलिजी ऑन डोनेस वाइफ हु डाइड इन 1617, जो कि एक एलिजी है डोने की वाइफ पर, उन्होंने अपनी वाइफ पर लिखी थी जब उसकी डेथ हो गई थी 1617 ईस्वी में डोने की वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने एलिजी लिखी थी। तो ये होली सोनेट्स हैं जो कि कब पब्लिश हुए थे, 1633 में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले बाई बेन जॉनसन, बेन जॉनसन का इनमें से कौन सा प्ले नहीं है? द अल्केमिस्ट, वॉलपोन, सिंथियास रेवल्स या द डचेस ऑफ माल्फी। तो इसका सही आंसर होगा द डचेस ऑफ माल्फी। द डचेस ऑफ माल्फी जो है वो बेन जॉनसन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग, इनमें से कौन सा प्ले है जिसमें जो है शेक्सपियर ने एक एपिलॉग रखा है? द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेमलेट या ट्वेल्थ नाइट। तो इसका सही आंसर होगा द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में आपको एक एपिलॉग देखने को मिलेगा। द टेम्पेस्ट हैज़ एन एपिलॉग, इट इज़ द अपोजिट ऑफ प्रोलॉग, ए पीस ऑफ राइटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ए लिटरेरी वर्क। एपिलॉग क्या होता है? ये प्रोलॉग का जो है अपोजिट है। प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग एक पीस होता है जो किसी भी लिटरेरी वर्क के स्टार्टिंग में लिखा जाता है, और एपिलॉग क्या होता है? इज़ द पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी अक्वेयरिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स एंड रिकॉलिंग द फेट्स ऑफ द कैरेक्टर। एपिलॉग जो होता है वो एक पार्ट होता है मेन स्टोरी का जो कि क्लाइमैक्स में अक्वर होता है, यानी कि प्ले के लास्ट में जो लिखा जाए वो एपिलॉग होता है, और जो प्ले के स्टार्टिंग में लिखा जाए वो प्रोलॉग होता है। ए शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद ए, जो शेक्सपियर के सोनेट थे वो किससे एंड होते थे? क्वार्टेट, ऑक्टेव, कपलेट या ट्रायप्लेट। तो शेक्सपियर के जो सोनेट रहे हैं उनमें 3 क्वार्टेन्स होते थे और एक कॉपलेट होता था, यानी कि टोटल जो है क्वार्टेन्स होते थे 4 लाइन्स के, तो 12 लाइन्स के प्लस एक कॉपलेट 2 लाइन्स का, तो 14 लाइन्स का जो है सोनेट्स हुआ करते थे। तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉपलेट। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर अक्वर्स इन शेक्सपियर्स, ये जो लाइन है लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये TGT 2011 में भी आई है। ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में आती है? ट्वेल्थ नाइट, हेमलेट, मैकबेथ या किंग लियर। तो इसका सही आंसर होगा मैकबेथ। ये लाइन जो है मैकबेथ में है, और ये लाइन कौन बोलता है? द अबोव मेंशन लाइन लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर अक्वर इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। दिस लाइन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्ट फर्स्ट सीन 5, दिस इज द स्पीच ऑफ मैकबेथ वैन लेडी मैकबेथ किल्स हरसेल्फ। यानी कि जो लाइन है ये मैकबेथ के द्वारा बोली जाती है, एक्ट फर्स्ट सीन 5 में ये लाइन आती है जब लेडी मैकबेथ अपने आप को मार लेती है, जब लेडी मैकबेथ सुसाइड कर लेती है और मैकबेथ को बताया जाता है, तब ये लाइन जो है मैकबेथ बोलता है कि लाइफ क्या है, लाइफ तो कुछ भी नहीं है बट ए वॉकिंग शैडो, एक वॉकिंग शैडो है और एक पुअर प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स ईच, शेक्सपियर के सोनेट जो रहे हैं उनकी मेन थीम क्या है? लव, हेटर्ड, इंटरव्यू या एनवी। तो शेक्सपियर ने जो है लव सोनेट लिखे हैं। द टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर इज, शेक्सपियर ने जो है टोटल कितने सोनेट लिखे हैं? 174, 154, 184 या 194। तो शेक्सपियर ने जो है 154 सोनेट लिखे हैं। ये भी जो है TGT 2011 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इनमें से कौन सा जो है राइटर है जिसने कि नोबेल प्राइज नहीं जीता था? जॉर्ज बर्नार्ड शो, जॉन गैल्सवर्थी, विलियम बटलर यीट्स या जेम्स जोइसी। तो इनमें से जो जेम्स जोइसी हैं उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला है, बाकी जो ये 3 राइटर्स हैं इनको नोबेल प्राइज मिला है। जेम्स जोइसी डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, जो जॉर्ज बर्नार्ड शो थे उन्हें नोबेल प्राइज़ 1925 में मिला था, जॉन गैल्सवर्थी को 1932 में, और विलियम बटलर यीट्स को 1923 में।
सम अदर फैक्ट्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो आयरलैंड से बिलोंग करते थे और उन्हें ये जो अवार्ड मिला था ये ड्रामा के फील्ड में मिला था। गैल्सवर्थी जो है यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे और इन्हें ये फिक्सन उन्होंने लिखे जो है अपने नॉवेल्स जो उन्होंने लिखे हैं उसके लिए अवार्ड मिला था। विलियम बटलर यीट्स बिलोंग टू आयरलैंड, विलियम बटलर यीट्स आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और उन्हें पोइट्री के फील्ड में ये प्राइज़ मिला था। इन फिक्सन द ऑथर्स ओवर ऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज, जो फिक्सन होते हैं, फिक्सन आप नॉवेल कह सकते हो, तो इसमें जो ऑथर के ओवरऑल मेन आइडिया या मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज जो वो हमें देते हैं अपने फिक्सन के थ्रू, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो प्लॉट कहा जाएगा, कन्फ्लिक्ट, सेटिंग या थीम, तो वो कहा जाएगी थीम। यानी कि किसी भी नॉवल की क्या थीम है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज वो हमें देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट जो प्ले रहा है उसका सबटाइटल क्या था, व्हाट इज यू विल, व्हाट यू विल, व्हाट यू लाइक इट, व्हाट यू थिंक। तो इस प्ले का ट्वेल्थ नाइट जो है ये शेक्सपियर ने लिखा है, तो इसका जो सबटाइटल था वो था व्हाट यू विल। नेक्स्ट द लाइन देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो अकवर्स इन, ये जो लाइन है देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये कहाँ पर अक्वर होती है, ये हमें देखने को मिलेगी हेमलेट में, ये हेमलेट में देखने को मिलेगी और इसे कौन कहता है, इसे कहते हैं हेमलेट। दिस इज द स्पीच ऑफ हेमलेट, ये हेमलेट की स्पीच है टू होरेशियो, वो होरेशियो से कहते हैं इन एक्ट फाइव सीन सेकेंड, एक्ट फाइव के सीन सेकेंड में। When Horatio warns Hamlet, जब Horatio Hamlet को warn करता है that कि he will lose the duel with Laertes, कि वो Laertes जो है वो duel जो करने जा रहा था, Laertes से जो वो लड़ने जा रहा था, कि तुम हार जाओगे, Horatio जो है Hamlet को पहले ही warn करता है कि तुम मत लड़ो, तुम हार जाओगे। He reveals that he is decided to give in to God's providence. तो Hamlet यहाँ पर जो है Horatio से बोलता है कि मैंने जो है God providence, प्रोविडेंस का मतलब होता है फेट, कि मैंने तो मतलब जो गॉड जो चाहेंगे वो होगा, मैंने वो सब कुछ गॉड पर छोड़ दिया है। हेमलेट आर्ग्यूज विद होरेशियो कि दैट गॉड कंट्रोल्स एवरीथिंग इवन समथिंग एज ट्रैवल एज ए स्पैरो डेथ, कि जो गॉड है ना वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे एक छोटी सी चीज़ हो, मतलब स्पैरो की जो डेथ हो, अगर स्पैरो की डेथ हो रही है तो वो भी गॉड ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो गॉड के हाथों में तो सब कुछ है। तो हेमलेट जो है यहाँ पर ये होरेशियो से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेगनेंस वेंजनेंस, दिस लाइन अकवर्स इन शेक्सपियर्स, ये जो लाइन है द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजनेंस, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, हेमलेट में, किंग लियर में, द टेम्पेस्ट या द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो ये आपको देखने को मिलेगी द टेम्पेस्ट में। और ये लाइन कौन बोलते हैं, दिस इज द प्रेस्पेरोस स्पीच इन द टेम्पेस्ट इन एक्ट फाइव सीन फर्स्ट, एक्ट फाइव के सीन फर्स्ट में ये लाइन प्रोस्पेरोस बोलते हैं। फ्रंट ब्रास, सॉरी फोर्टीन ब्रास, फोर्टीन ब्रास इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, जो फोर्टीन ब्रास है वो शेक्सपियर के प्ले में एक कैरेक्टर है, कौन से प्ले में है वो, किंग लियर, ओथेलो, हेमलेट या जूलियस सीजर, तो वो हेमलेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में निम्न में से कौन सा कैरेक्टर नहीं है, रोजालिंड, रोजालिंड है, सीलिया, सीलिया भी जो एज यू लाइक इट में है, दोनों ये सिस्टर हैं, ओरलैंडो, ओरलैंडो जो है प्रोटैगोनिस्ट है इस प्ले का, पोर्शिया, लेकिन पोर्शिया इस प्ले में नहीं है, अगर आपको याद हो तो पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमें देखने को मिलती है। विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू द, विलियम शेक्सपियर कौन से एरा से बिलोंग करते थे, रेस्टोरेशन एज से, विक्टोरियन एज से, एलिजाबेथन एज से या रोमांटिक एज से, तो जो विलियम शेक्सपियर थे वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, एज कैन नॉट विद हर नोर कस्टम स्टेल हर इनफिनाइट इनफिनिट वेराइटी, ये लाइन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एज कैन नॉट विद हर, ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल में, ओथेलो में, टाइटस एंड्रोनिकस या एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, तो ये हमें देखने को मिलेगी एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में, और ये लाइन क्लियोपेट्रा के लिए कही गई है। फ्रेलिटी दाई नेम इस वुमेन इज टेकन फ्रॉम,
फ्रैलिटी, तुम्हारा नाम ही जो है वो वुमेन है। ये कहाँ से ली गई है लाइन? जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो या किंग लियर? तो ये लाइन ली गई है हैमलेट से। और ये लाइन बोलता कौन है? ये हैमलेट ही बोलता है। हैमलेट जो है द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स मास्टरपीस हैमलेट, शेक्सपियर का जो एक मास्टरपीस प्ले रहा है हैमलेट, उसके जो हीरो थे हैमलेट, अटर्स दिस फेमस फेराज इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड। तो वो ये बोलते हैं एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड में। इन फैक्ट ही इज़ रिकॉलिंग द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ हिज मदर, एंड डिजीज्ड फादर। उसके जो पिताजी हैं जो मर चुके हैं उसके फादर, तो वो उन मेमोरीज़ को याद करते हैं जब उसकी माताजी और उसके पिताजी साथ में रहते थे, जब उसके पिताजी जिंदा थे। ही मोर्स द डेथ ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता की मृत्यु पर जो है मौन करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। एंड चेंजिंग नेचर ऑफ वुमेन और रेफरिंग टू हिज मदर जर्ट्रूड, और वो अपनी माता को देखते हैं जिसने मतलब उसका जो नेचर देखते हैं कि एक वुमेन का नेचर कितनी जल्दी बदल जाता है। एस ही हैज़ मैरिड हिज अंकल क्लोडियस, क्योंकि उन्होंने जो है तुरंत ही शादी कर ली थी उसके अंकल क्लोडियस से, यानी कि जब हैमलेट के फादर की डेथ हुई थी तो उसकी डेथ के तुरंत बाद ही हैमलेट की मदर जर्ट्रूड ने उनके छोटे भाई क्लोडियस से शादी कर ली थी। तो वो कहते हैं ही सेज फ्रैलिटी दाय नेम इज वुमेन, तो इसीलिए वो यहाँ पर ये शब्द कहते हैं। द क्यूट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन इट ड्रॉप एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अक्वर्स इन। ये जो लाइन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन, ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? ट्वेल्थ नाइट में, सिम्बलाइन, मर्चेंट ऑफ वेनिस या एज यू लाइक इट। तो ये लाइन हमें देखने को मिलेगी मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और ये लाइन जो है पोर्शिया बोलती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन इट ड्रॉप एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, दिस लाइन अक्वर्स इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इट अक्वर्स वेन पोर्शिया डिमांड्स शाइलॉक टू बी मर्सीफुल। ये लाइन कहाँ पर आती है? जब पोर्शिया जो है शाइलॉक से कहती है कि उसे मर्सीफुल होना चाहिए। और ये एक्ट फोर सीन फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगी। पोर्शिया जो है शाइलॉक से अपील कर रही है कि वो एंटोनियो की लाइफ को छोड़ दे, और वो कहती है कि हम लोग जो हैं जैसे हम प्रे करते हैं गॉड से मर्सी के लिए, और जो गॉड है वो हमारे लिए मतलब मर्सीफुल होते हैं, इसी तरह जो है शाइलॉक को भी जो है मर्सीफुल होना चाहिए एंटोनियो के लिए, और उसे जो है एंटोनियो की लाइफ को छोड़ देने चाहिए, और इसके बदले जो है उसे गॉड से कुछ ना कुछ इनाम जरूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है शाइलॉक एंटोनियो से एक डील की थी, एंटोनियो को कुछ पैसे जो है शाइलॉक को लौटाने थे, लेकिन अगर वो नहीं लौटाएगा तो उसके शरीर का कुछ मांस जो है शाइलॉक ने लेने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्यूट लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड ऑकवर्स इन। ये जो लाइन है लव लुक्स नॉट विद द आइज, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में, लव्स लेबर्स लॉस्ट में, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा या द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। तो ये हमें लाइन देखने को मिलेगी ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में। और ये लाइन कौन बोलती है? ये हेलेना बोलती है। द क्यूट्स लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड ऑकवर्स इन मिड समर नाइट्स ड्रीम। सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब समझिए। इस लाइन का मतलब होता है कि जो लव है वो वर्थलेस थिंग्स ब्यूटीफुल, जो मतलब बेकार की चीज़ें हैं ना उसको भी सुंदर बना देता है। व्हेन वी आर इन लव वी डोंट सी विद अवर आइज, जब हम प्यार में होते हैं तो हम अपनी आंखों से नहीं देखते। इसमें लिखा है ना लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, बट विद अवर माइंड्स, लेकिन हम अपने माइंड से देखते हैं, यानी कि हम अपने एक तरह से हर्ट से देखते हैं। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो ये नहीं कि हम उसकी जो है ब्यूटी देखेंगे या उसको उसके एक तरह से अपने आईज से देखेंगे, बल्कि हम उसको अपने मन से देखेंगे। डैट इज़ वाई, और इसीलिए शायद पेंटिंग ऑफ क्यूपिड, जो क्यूपिड की पेंटिंग होती है जिसे गॉड ऑफ लव कहा जाता है, ऑलवेज सो हिम एज ब्लाइंड, उसे हमेशा जो है ब्लाइंड दिखाया जाता है। इन दिस सोलिलोक्वी, ये एक सोलिलोक्वी है, हेलेना पोंडर्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ लव। यहाँ पर जो हेलेना है वो लव की जो पावर है उसके ट्रांसफॉर्म पर बातें कर रही है, ट्रांसफॉर्म को वो बता रही है। द लव सिक हेलेना वॉज एबंडन्ड बाय हर बिलव्ड डेमेट्रियस। जो हेलेना है वो डेमेट्रियस से प्यार करती थी, लेकिन जो डेमेट्रियस है वो हेलेना से प्यार नहीं करता था, और उसने हेलेना को छोड़ दिया था क्योंकि वो हर्मिया से प्यार करता था। बिकॉज ही लव द मोर अट्रैक्टिव हर्मिया, क्योंकि वो मोर अट्रैक्टिव हार्मिया से प्यार करता था। हार्मिया जो है वो सुंदर दिखाई देती थी, लेकिन हेलेना इतनी सुंदर नहीं थी, तो इसीलिए जो डेमेट्रियस था वो हार्मिया से प्यार करता था, हेलेना से नहीं। तो इसीलिए हेलेना कहती है कि प्यार किसी की सुंदरता देखकर नहीं होता, बल्कि वो तो दिल से होता है।
हु इज़ नोन एज अ मेलनकली मैन इन एज यू लाइक इट। जो शेक्सपियर की एक कॉमेडी है एज यू लाइक इट, तो उसमें एक मैन है जिसको कि मेलनकली मैन कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? टचस्टोन, सिल्वियस, जैकोस या कोरेन? तो इसका सही आंसर है जैकोस। जो जैकेस है उसको मेलनकली मैन इस प्ले में कहा जाता है। नेक्स्ट, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? ऐसा किसने कहा था कि शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडी में केवल हीरोइंस रखी है, हीरोज़ नहीं रखे हैं? यानी कि जो शेक्सपियर की कॉमेडी थी उसमें मोस्टली जो है वो हीरोइंस थी, हीरोइन के जो रोल थे वो इम्पोर्टेंट होते थे, ना कि हीरोज़ के। तो ऐसा जो है किसने कहा है? बेन जॉनसन, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल या विलियम हेजलेट? तो इसका सही आंसर होगा जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने बोला था कि शेक्सपियर तो अपनी कॉमेडी में केवल हीरोइन ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर इज़ इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इज सम प्लेस, चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। शेक्सपियर के जितने भी प्ले रहे हैं उनमें से जो है मोस्टली प्ले का सोर्स कोई ना कोई रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं से जो है अपने प्ले का सोर्स लिया है। जो ट्रेजडी रही है वो तो मोस्टली ही जो है कहीं ना कहीं से उन्होंने अपना सोर्स लिया है, तो वो कहाँ से लिया है? द अरेबियन नाइट से, होलीनेस के क्रॉनिकल से, बीवॉल्फ या द आर्थियन लीजेंड से? तो उनके जो प्लेस रहे हैं उनका सोर्स रहा है होलीनेस के क्रॉनिकल्स। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो? मालवोलियो का कैरेक्टर जो है शेक्सपियर के कौन से प्ले में हमें देखने को मिलेगा? लव्स लेबर लोस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हेमलेट या एज यू लाइक इट? तो ये आपको देखने को मिलेगा ट्वेल्थ नाइट में। विनस एंड एडोनिस इज ए पोइटिक कम्पोजिशन ऑफ ए पोइट हु वाज ए ड्रामेटिस्ट आल्सो। विनस एंड एडोनिस एक पोइटिक कम्पोजिशन है, एक पोयम है। कौन से पोइट ने वो लिखी है और वो जो जिस भी पोइट ने वो पोयम लिखी है वो एक ड्रामेटिस्ट भी थे? तो इसका सही आंसर है ए, शेक्सपियर, क्योंकि ये पोयम जो है शेक्सपियर ने लिखी है। इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अक्वायर नाइदर ए बोरोवर नोर ए लैंडर बी फॉर लोन ऑफ क्लोज बोथ इट्सेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री? ऐसा किसने कहा है? कौन से प्ले में ये लाइन आई है कि ना तो उधार लो ना ही उधार दो, क्योंकि ऐसा करने से दोनों चीज़ खो सकती है, आप अपने आप को भी खो सकते हो और अपने दोस्त को भी खो सकते हो। तो ये जो लाइन आई है ये मैकबेथ में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेमलेट या किंग लियर? तो इसका सही आंसर है हेमलेट में। ये हेमलेट में आई है जब पोलोनियस जो है अपने बेटे लैटिस से ये बातें कह रहा है, जब वो उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजता है तो वो उसको समझाता है। शेक्सपियर कौन थे? वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, न्यू ए लॉट इन ग्रीक, हैड ए ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक? तो इसका सही आंसर होगा न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक देयर आर द वर्ड्स ऑफ बेन जॉनसन। ये जो वर्ड्स हैं ये बेन जॉनसन ने कहे थे, और ये कहाँ कहे थे? टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर विलियम शेक्सपियर एंड वॉट ही हैथ लेफ्ट अस। अपनी उन्होंने एक पोयम लिखी थी टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर विलियम शेक्सपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजडीज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की जो है चार ग्रेट ट्रेजडीज कही जाती है, हालांकि शेक्सपियर ने काफ़ी ट्रेजडीज लिखी हैं लेकिन जो चार हैं उनमें से वो ग्रेट ट्रेजडीज कही जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? वो है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो इनमें से कौन सी नहीं है? ट्वेल्थ नाइट, क्योंकि ट्वेल्थ नाइट जो है उनकी कॉमेडी है। इसको लर्न करने का एक तरीका है होकम, HOKM, होकम, एच से हेमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंगलियर और एम से मैकबेथ। शेक्सपियर प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, शेक्सपियर का जो प्ले था हेमलेट वो किससे इन्फ्लुएंस है? मार्लो से, किड से, पेले से या नेस से? तो वो जो है शेक्सपियर की जो प्ले है हेमलेट वो थॉमस किड से इंस्पायर है, इन्फ्लुएंस्ड है। ये क्वेश्चन जो है आ चुका है TGT 2009 में। शेक्सपियर्स मेन सोर्स फॉर हेमलेट वॉज प्रॉब्लिबली द थर्ड बुक ऑफ जेस्टा डेनोरम विच वॉज ऑल्सो कोल्ड हिस्टोरिया डेनिका बाय सेक्सो ग्रामेटिकस। जो
शेक्सपियर का प्ले रहा है हेमलेट, तो उसका जो मेन सोर्स था वो थर्ड बुक रही है जेस्टा डेनोरम की। जेस्टा डेनोरम जो जिसे कि हिस्टोरिया डेनिका भी कहा जाता है और जो कि सेक्सो ग्रामेटिकस का एक वर्क है। द नेम ऑफ प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज, द टेम्पेस्ट शेक्सपियर का एक प्ले है, ट्रेजी कॉमेडीज को कहा जाता है। तो इसमें जो प्रोस्पेरो थे उनकी डॉटर का क्या नाम था, डेस्टेमोना, कॉर्डेलिया, मिरेंडा या ओलिविया, तो उसका नाम था मिरेंडा। द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ इज, मैकबेथ का डोमिनेटिंग पैसन क्या था, ए ज्वेलसी, बी ग्रीडी, सी रिवेंज या डी एम्बिशन। तो मैकबेथ का जो डोमिनेटिंग पैसन था वो था एम्बिशन, क्योंकि एम्बिशन जो है जब उसको थ्री विचेस ने बताया था कि ही विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तो उसमें एम्बिशन आ गई थी और उसे लगा कि ठीक है अगर मुझे राजा बनना है तो फिर मुझे पहले राजा को मारना होगा, और इसी एम्बिशन के चलते उसने जो है किंग डंगन को मार दिया था और यही जो है उसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा डी एम्बिशन, ये टीजी 2009 में ये आया है। इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ, जो ट्वेल्थ नाइट एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें जो ओलिविया थी वो किससे प्यार करने लगी थी, मालवोलियो से, ड्यूक ओरसिनो से, द क्लाउन से या वोयला से डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। तो जो ओलिविया थी वो प्यार करने लगी थी वोयला से, क्योंकि वो उसको जो है वोयला को जो है वो एक मैन समझती थी, क्योंकि वोयला ने जो है अपने आप को एक मतलब उसने अपना भेस बदला हुआ था, वो एक मैन बनी हुई थी, सिजेरियो उसने अपना नाम रखा हुआ था। जो ड्यूक ओरिसिनो थे वो ओलिविया से प्यार करते थे और इसीलिए जो है वो वोयला को, उन्हें नहीं पता था कि वोयला एक गर्ल है, वो उसको सिजेरियो समझते थे, तो वो अपने मतलब उससे सिजेरियो को भेजते थे ओलिविया के पास अपने लव लेटर्स लेकर, लेकिन ओलिविया जो है वो सिजेरियो के ही प्यार में पड़ गई थी। शाइलोक इज ए कैरेक्टर इन, शाइलोक जो है विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में हमें देखने को मिलता है, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, मेजर फॉर मेजर। तो जो शाइलोक है वो हमें देखने को मिलेगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज इन हिज प्लेस, शेक्सपियर ने अपने प्लेज में क्या सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, हीरोइक कॉपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स या स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो जो शेक्सपियर ने अपने प्ले में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है डैट इज ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट, शेक्सपियर रहे हैं क्या रहे हैं, ए रेनेसा प्ले राइट, ए रेस्टोरेशन प्ले राइट, ए 20th सेंचुरी प्ले राइट, ए क्लासिकल प्ले राइट। तो जो शेक्सपियर थे वो एक रेनेसा प्ले राइट रहे हैं। हु सेड इट, हाउ पुअर आर दे डेट हैव नो पेशेंस, वट वुड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज। ऐसा किसने कहा था कि वो कितने पुअर होते हैं जिनमें पेशेंस नहीं होता, वट वाउंड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज। तो ये कहा था, ये जो है ये लाइन ओथेलो में हमें देखने को मिलेगी, जो ओथेलो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ट्रेजडी है, और उसमें ये लाइन कहता है इयागो जो कि उस प्ले का एंटागोनिस्ट है। शेक्सपियर ने लिखे हैं 154 सोनेट्स, 145 सोनेट्स, 451 या 26 सोनेट्स। तो शेक्सपियर ने जो है टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, तो इसका आंसर होगा ए, 154 सोनेट्स जो है शेक्सपियर ने लिखे हैं। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, कॉर्डेलिया जो है अपने पिता की हेल्प करने के लिए आती है। सबसे पहले तो कॉर्डेलिया कौन से आपको प्ले में देखने को मिलेगी, आपको ये पता होना चाहिए। तो कॉर्डेलिया जो है वो किंग लियर में है, किंग लियर की जो सबसे छोटी बेटी है कॉर्डेलिया है, और वो जो है अपने फादर से सच सच बता देती है कि वो उन्हें कितना प्यार करती है, वो कोई झूठ नहीं बोलती, तो इसीलिए जो है उसके फादर उसको अपने राज्य से निकाल देते हैं। लेकिन बाद में जो है कॉर्डेलिया ही उनकी हेल्प करती है, क्योंकि उनकी जो दोनों बेटी जो थी जिसको किंग लियर ने अपना राज्य दिया था, वो दोनों ही किंग लियर को बाहर निकाल देती हैं। तो उसके बाद जो है कॉर्डेलिया ही आती है अपने फादर की हेल्प करने के लिए। तो वो क्यों आती है, क्योंकि उसके फादर ने तो उसको राज्य से भी निकाल दिया था और मतलब उसको एकदम से बाहर कर दिया था, उसके बारे में पूछताछ भी नहीं की थी, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं किया था।
लेकिन फिर भी वो अपने फादर की हेल्प करती है। किस लिए करती है? ही हैड गिवन हर द लोयन शेयर ऑफ हिज किंगडम, क्योंकि उसने जो है अपने किंगडम का बहुत बड़ा पार्ट उसको दिया था, तो ये तो गलत है क्योंकि उन्होंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। ही हैड डिप्राइड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम, क्योंकि उसने जो है उसको अपने एक राज्य के जो शेयर से उसको डिप्राइड कर दिया था, ये भी नहीं है। आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, क्योंकि उसको जो है अपने फादर से प्यार था, ये सही है क्योंकि वो अपने फादर से प्यार करती थी, जेन्युइन प्यार करती थी वो अपने फादर से। सी हेटेड हर एल्डर सिस्टर, ये भी गलत है क्योंकि वो किसी से हेट ही नहीं करती थी। तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि वो अपने फादर से एक जेन्युइन लव करती थी, न कि अपने बहनों की तरह उसने झूठ बोला था कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इनफैक्ट वो सच में करती थी। बेन जॉनसन नेम इज एसोसिएटेड विद, जो बेन जॉनसन है उनका नाम किससे एसोसिएट होता है? सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? तो उन्होंने किस तरह की कॉमेडी लिखी है? बेन जॉनसन ने जो लिखी है वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखी है। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी, किसको जो है यहाँ पर मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा जाता है? मैकबेथ को, ओथेलो को, इयागो को या पोलिनिस को? तो इसका सही आंसर है सी, इयागो। इयागो को जो है मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा जाता है। 47 है कैलिबन। कैलिबन जो है एक कैरेक्टर है जो कि हमें टेम्पेस्ट में देखने को मिलेगा, द टेम्पेस्ट। तो कैलिबन कौन था? इज़ द हीरो ऑफ द प्ले टेम्पेस्ट, क्या वो द टेम्पेस्ट का हीरो था? मैरिड प्रेस्परोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, क्या उसने जो है द टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो की बेटी से शादी की थी? किल्ड प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, क्या उसने प्रोस्पेरो को मार दिया था? या इज़ द विलन इन द टेम्पेस्ट, या फिर वो विलन था? तो जो कैलिबन था वो उस प्ले का विलन था, तो ही इज़ द विलन इन द टेम्पेस्ट। ओफेलिया इज़ द बिलव्ड ऑफ, ओफेलिया किसकी बिलव्ड थी? मैकबेथ की, हेमलेट की, ओथेलो की या रोमियो की? तो जो ओफेलिया थी वो हमें हेमलेट में देखने को मिलती है और वो हेमलेट की ही बिलव्ड थी, तो बी का आंसर होगा हेमलेट। वीनस एंड एडोनिस इज बाय, वीनस एंड एडोनिस किसने लिखी है? वीनस एंड एडोनिस पोयम है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, विलियम शेक्सपियर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से सबसे पहले किसने जन्म लिया था? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, गैल्सवर्थ या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो इनमें सबसे पहले जिसका जन्म हुआ था वो थे विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। 51. The total number of Shakespearean sonnets each. शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं? 152, 156, 150 या 154? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 154. नेक्स्ट, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट ईच, जो लैंग्वेज शेक्सपियर ने यूज़ की है अपने ड्रामास के लिए वो कौन सा है, मोस्ट पार्ट कौन सा उन्होंने यूज़ किया है? पोइटिक प्रोज का, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज या ड्रामेटिक वर्स? तो विलियम शेक्सपियर ने जो है ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 126 जनरली सो ए रीनेक्शन ऑफ, जो शेक्सपियर के सोनेट है 1 से लेकर 126 तक वो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं जनरल फिलोसफी ऑन लाइफ, लाइफ की जो जनरल फिलोसफी है वो उस पर लिखे गए हैं। ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, लवर्स के बीच में जो ड्रामेटिक इंटरचेंज होती है वो दिखाते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पार्टन या ड्रामेटिक आर्गुमेंट विद द डार्क लेडी। तो 126 के जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर के वो डेडिकेटेड उन्होंने किए हैं एक यंग मैन को, मिस्टर WH। तो वो दिखाते हैं पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पार्टन। तो इसका आंसर होगा सी। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ, जो डार्क लेडी नाम की एक कैरेक्टर है वो किसके सोनेट्स में अपीयर होती है? सरे के, व्योट के, शेक्सपियर के या स्पेंसर के? तो इसका सही आंसर है शेक्सपियर के, विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स है उसमें डार्क लेडी अपीयर होती है। विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा, इनमें से कौन सा ड्रामा है जो शेक्सपियर का नहीं है? टाइटस एंड्रोनिकस, एडवर्ड द सेकेंड, हेमलेट या रिचर्ड थर्ड? तो इसमें से जो है एडवर्ड द सेकेंड वो शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्शन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी विच इज, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है जो विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, ये एक एडेप्शन किसका है? ये एक लैटिन कॉमेडी का जो है एक एडेप्शन है, और वो लैटिन कॉमेडी कौन सी थी जहाँ से जो है विलियम शेक्सपियर ने अपने इस प्ले का सोर्स लिया था? वो थी नोवम ऑर्गेनम, फिलोस्ट्रेटो, कर्सर मुंडी या फिर मैनाकमी। तो वो जो
लैटिन कॉमेडी थी वो थी मैनिक मी। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रेसी टू, जो शेक्सपियर हैं उन्होंने अपनी एक पोएम वेनस एंड एडोनिस जो उनकी पोएम है उसको जो है उन्होंने डेडिकेट किया है, वीनस और एडोनिस और ल्यूक्रेसी तो किसको डेडिकेट किया है, द अर्ल ऑफ साउथ है, द अर्ल ऑफ साउथैम्पटन, द अर्ल ऑफ सरे या द अर्ल ऑफ सैक्सोनी, तो उन्होंने जो है अपने इस पोएम को डेडिकेट किया है द अर्ल ऑफ साउथैम्पटन को। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, जूलियस सीजर जो है वो फॉल है मतलब इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन किस किस के बीच में वो लिखी गई थी, द कॉमेडीज और हिस्ट्रीज के, द कॉमेडीज एंड ट्रेजडीज के, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज के या द ट्रेजडीज एंड रोमांसेस के, तो ये लिखी गई थी द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज के बीच में। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, विलियम शेक्सपियर जो है तीसरे बेटे थे किसके, यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो पेरेंट्स थे उनका क्या नाम है, जोसेफ एंड मैरी जॉन, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम, तो विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, तो इसका सही आंसर होगा सी, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। टीजीटी के चारों राइटर्स के फादर का नाम जॉन है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दिस लाइन्स, देयर नीड नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस, कौन से जो प्ले में ये लाइन आती है कि देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड, कि मेरे लॉर्ड घोस्ट की आवश्यकता नहीं है, कम फ्रॉम द ग्रेव, ग्रेव से वापस आओ, टू टेल अस दिस, हमें ये बताने के लिए, किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट या हेनरी फोर्थ, तो ये लाइन आपको देखने को मिलेगी हैमलेट में। विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजडीज इज कॉल्ड द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन, शेक्सपियर की कौन सी वो ट्रेजडी है जिसे ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, तो वो है हैमलेट, हैमलेट को जो है ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। हैमलेट जो है एक रिवेंज ट्रेजडी है, रिटन इन द लाइन ऑफ रोमन सिनेकन ट्रेजडी, ये जो है रोमन सिनेकन ट्रेजडी के ऊपर बेस्ड है, इट इज़ द ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मॉरल सेंसिटिविटी, ये ट्रेजडी रिफ्लेक्शन की और मॉरल सेंसिटिविटी की कही जाती है। हैमलेट जो है शेक्सपियर का एक लॉन्गेस्ट प्ले है एंड अमंग द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस ट्रेजडीज इन इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर की जितने भी मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंस ट्रेजडीज है उनमें से हैमलेट एक माना जाता है। द स्टोरी ऑफ हैमलेट अल्टीमेटली डेराइव्स फ्रॉम द लेजेंड हैमलेट, जो हैमलेट की स्टोरी है वो कहाँ से डिराइव की गई है, वो हैमलेट से डिराइव की गई है, प्रिजर्व्ड बाय द थर्ड सेंचुरी क्रॉनिकल सैक्सोग्रामेटिक्स, जो कि सैक्सोग्रामेटिक्स जो थे 13th century के उनके द्वारा लिखी गई थी इन हिज जेस्टा डोनोरम, अपने जेस्टा डोनोरम में, वहीं से जो है विलियम शेक्सपियर ने इसका कॉन्सेप्ट लिया है, हैमलेट से ही उन्होंने हैमलेट बनाया है, और ये एक ट्रेजडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कही जाती है। द अर्ली प्लेस ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, जो शेक्सपियर ने अपने अर्ली प्लेस लिखे थे वो कौन सी ईयर में लिखे थे, 1597 टू 1625, 1598 टू 1614, 1590 टू 1595, 1600 टू 1607, तो ये उन्होंने लिखे थे 1590 टू 1595 के बीच में, 1590 से लेकर 1595। इट इज़ सैड डैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा, विच ऑफ दिस इज इट सैड टू बी, ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर एक ट्रेजडी है, ये बेस है ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ दिस हिज एरा, किसी सर्टेन इंसिडेंट पर उसके एरा के, और वो क्या है, द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर रे, सर वॉल्टर रे का एग्जीक्यूशन, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड बिटवीन, ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट, द रेबुलेशन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स या द सुप्रीमेसी ऑफ स्पेन ऑन लैंड एंड सी, तो ये जो है उस टाइम का इंसिडेंट वो रहा है द रेबुलेशन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। विच कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉलस्टॉप इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ, शेक्सपियर ने अपने प्ले हेनरी फोर्थ में एक कैरेक्टर लिया है जॉन फॉलस्टॉप, तो जॉन फॉलस्टॉप को क्या बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता है, वो कैसे थे, वो सिंपल थे, कॉम्प्लेक्स थे, नॉवी थे या कैरी कैचर थे, तो वो थे कैरी कैचर। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स डू द कैरेक्टर वोल्टेमेंट एंड कॉर्नेलियस अपीयर, ये जो दो कैरेक्टर हैं वोल्टेमेंट और कॉर्नेलियस
ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मच अडो अबाउट नथिंग या मैकबेथ? तो इसका आंसर होगा हैमलेट। वोल्टमैन और जो कॉर्नेलियस थे, ये आर द कोटरीज इन द प्ले हैमलेट। ये जो है कोटरीज थे हैमलेट प्ले में। होम क्लोडियस सेंट टू नॉर्वे टू प्रस्यूट द किंग टू प्रिवेंट फ्रॉम 14 ब्रास फ्रॉम अटैकिंग। जिनको कि जो राजा क्लोडियस होते हैं वो भेजते हैं नॉर्वे में ताकि वो राजा को समझा सके कि वो जो है 14 ब्रास जो अटैक करने जा रहा था उसको रोक ले। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? हैमलेट का कौन सा जो कैरेक्टर है जिसको कह सकते हैं हम द टेडियस वाइसेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम? तो ये हम कह सकते हैं क्लोडियस के बारे में, हैमलेट के बारे में, पोलोनियस के या रोसेनक्रांट्स के बारे में। तो ये हम कह सकते हैं हैमलेट के बारे में। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। द रेस्ट इज साइलेंस, ये किसके लास्ट वर्ड थे जिसने मरने से पहले बोले थे शेक्सपियर के ड्रामास में? सीजर, मैकबेथ, हैमलेट या लियर? तो ये बोले थे हैमलेट ने। द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज? शेक्सपियर की जो प्ले रहा है मैकबेथ, उसमें मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम था? कॉर्डेलिया, कल्पूर्निया, डेस्टिमोना या नन ऑफ द अबोव? जो विलियम का प्ले रहा है मैकबेथ, उसमें मैकबेथ की वाइफ को कोई भी नाम नहीं दिया गया है बल्कि उसको लेडी मैकबेथ के नाम से ही पुकारा गया है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबोव। हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड? इंग्लैंड में सबसे पहले जो है सोनेट किसने इम्पोर्ट किए थे? सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस व्याट, शेक्सपियर या मिल्टन? तो इसका सही आंसर होगा सर थॉमस व्याट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड? इनमें से कौन सी कंपनी थी जो कि शेक्सपियर ने ओन कर ली थी और जहाँ पर कि उसके मास्टर पीस जो रहे थे वो परफॉर्म किए गए थे? वुडन, ग्लोब, रोज या कर्टेन? तो इसका सही आंसर होगा ग्लोब, ग्लोब थिएटर, जिसमें एक बार आग भी लग गई थी। ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो अटर दिस वर्ड्स? ये वर्ड्स कौन सा ट्रेजिक हीरो शेक्सपियर के बोलता है कि ये जो संसार है ये मुझे कितना अनप्रॉफिटेबल लग रहा है, कितना वेरी स्टेल और फ्लैट लग रहा है, ये संसार जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो वर्ड है ये बोलता है हैमलेट। तो ये जो लाइन है ये एक्ट सेकंड, सीन सेकंड से ली गई है। एक्ट सेकंड और सीन टू में जो है शेक्सपियर की प्ले हैमलेट से ली गई है। यहाँ पर ये जो है हैमलेट की सोलिलोक्वी है और हैमलेट अपने फादर की डेथ पर वो बहुत दुखी है, वो जो है दुख व्यक्त कर रहा है, वो मौन कर रहा है और वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया है अपने फादर की डेथ से कि वो खुद भी मरना चाहता है। क्रॉनिकल प्लेस वर वेरी पॉपुलर इन, जो क्रॉनिकल प्लेस थे वो कौन से सेंचुरी में पॉपुलर थे? 19th, 18th, 17th या 16th? तो वो पॉपुलर थे 16th सेंचुरी में, जब विलियम शेक्सपियर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर? इनमें से कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? हैमलेट, हैमलेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। द टेम्पेस्ट, ये भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जूलियस सीजर, ये भी। डॉक्टर जेकोल एंड मिस्टर हाइडी, ये विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा डी। और ये किसने लिखा है डॉक्टर जेकोल एंड मिस्टर हाइडी? ये इस फुल द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकोल एंड मिस्टर हाइडी नोवेला वॉज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस, ये रॉबर्ट लुइस ने लिखा है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, और ये पब्लिश हुआ था 1886 में और ये एक नोवेला है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाय, कॉमेडी ऑफ एरर्स किसने लिखी है? द कॉमेडी ऑफ एरर्स एक प्ले है, एक कॉमेडी है और ये लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिक्यूट एस, विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है? उन्हें मैन ऑफ लेटर्स, बार्ड ऑफ एवन, सेंट ऑफ द गटर्स, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी? तो उनको कहा जाता है बार्ड ऑफ एवन। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट, इनमें से किसने सबसे पहले अपनी राइटिंग स्टार्ट की थी? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या पी.जी. वुडहाउस? तो इसका सही आंसर होगा विलियम शेक्सपियर। हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स,
जब हैमलेट कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, तो उसका क्या मतलब है ये कहने का, वो क्या कहना चाहता है? टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम, कि वो क्लॉडियस को मार दे या ना मारे, टू किल जर्ट्रूड और नॉट टू किल हर, या फिर वो जर्ट्रूड को मार दे या ना मारे, क्लॉडियस जो है उनके उसके अंकल थे और जर्ट्रूड उसकी माँ थी, टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी हर, वो ओफेलिया से शादी करे या ना करे, टू लिव और टू डाई, वो जिए या मर जाए। तो हैमलेट का मतलब क्या था टू बी और नॉट टू बी से? तो यहाँ पर जो है हैमलेट का मतलब था टू लिव और टू डाई, कि वो जिए या मर जाए। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो कौन सी फॉर्म में लिखे गए हैं? थ्री क्वार्टेंस एंड ए कपलेट, एंड ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट, टू सिक्स लाइन स्टेंजास एंड ए कपलेट, या नन ऑफ दीज। तो वो लिखे गए हैं थ्री क्वार्टेंस एंड ए कपलेट में। शेक्सपियर ट्रेजेडी इज रिटन बाय, शेक्सपियर ट्रेजेडी किसने लिखी थी? एडवर्ड डॉडन ने, ए सी ब्रैडली, डॉवर विल्सन या विल्सन नाइट। तो ये लिखी थी ए सी ब्रैडली ने। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट टू। इनमें से कौन सा प्ले जो है कैटेगरी में नहीं आता? ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट या द टेम्पेस्ट। तो अगर हम इन प्ले को देखें तो हम इसमें से देखते हैं कि जो तीन है वो शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजडीज हैं, लेकिन जो द टेम्पेस्ट है वो ग्रेट ट्रेजडी में नहीं आता। तो ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट जो हैं ये ट्रेजडीज हैं, जबकि द टेम्पेस्ट ट्रेजडी नहीं है। तो इसका आंसर डी, द टेम्पेस्ट होगा। शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। शाइलॉक जो है वो शेक्सपियर के एक प्ले में कैरेक्टर है। तो वो कौन से प्ले में हमें देखने को मिलता है शाइलॉक? ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो ये हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखने को मिलता है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है शेक्सपियर ने द ज्यू ऑफ माल्टा से लिया था, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर में से इनमें से कौन सी को फोर्थ विच कहा जाता है? डेस्टिमोना, जर्ट्रूड, लेडी मैकबेथ या कॉर्डेलिया। तो जो फोर्थ विच है वो लेडी मैकबेथ को कहा जाता है। थ्री विच का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मैकबेथ में देखने को मिलता है, और फोर्थ विच लेडी मैकबेथ को कहा जाता है, क्योंकि उसने भी उतना ही रोल पार्ट किया था मैकबेथ की एम्बिशन को बढ़ाने में जितना कि उन थ्री विचेस ने किया था। वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच सी इज। सेम क्वेश्चन यही है, ये PGT 2000 में आया है इस तरह से, और ये PGT 2009 में आया है। तो इसका आंसर लेडी मैकबेथ। हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर्स के जो प्ले है मैकबेथ, उनमें ये जो फॉलोइंग वर्ड्स है ये किसने बोले हैं? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बर्ट एज पिक्चर्स, इट इज द आई ऑफ चाइल्डहुड डेट फियर्स ए पेंटेड डेविल। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज ए पिक्चर्स, यानी कि सोना या मरना जो है एक बिल्कुल पिक्चर की तरह है, ये किसने बोले थे? फर्स्ट विच, सेकेंड विच, थर्ड विच या नन ऑफ दैम। तो ये जो लाइन थी ये बोली थी लेडी मैकबेथ ने, जब मैकबेथ ने डंकन को मर्डर कर दिया था, और उसके बाद जो है वो वापस आता है, लेकिन मैकबेथ क्या है अपने डैगर जो है वापस लेकर आ जाता है, यानी कि जो डैगर थे जिसने उसने डंकन का खून किया था उसको वहाँ पर नहीं छोड़ता। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि जाओ इसको वापस रख कर आओ, लेकिन मैकबेथ कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं उस सीन को दोबारा नहीं देख सकता। तब लेडी मैकबेथ उसको ये बोलती है। द एबो लाइन हैज बीन स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ इन एक्ट सेकंड सीन सेकंड, एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में ये बोली गई है, और ये कन्वर्सेशन है बिटवीन मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बीच में। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। कौन से प्ले में शेक्सपियर जो है, कौन सा प्ले शेक्सपियर का इस लाइन से स्टार्ट होता है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन? तो ये जो स्टार्ट होता है ये होता है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट जो है ये स्टार्ट होता है इस लाइन से। हु वॉज द फादर ऑफ एसेस। एसेस का फादर किसको कहा जाता है? एसेस का फादर कहा जाता है मॉन्टेन को, और जो इंग्लिश एसे है उसके फादर कहे जाते हैं बेकन। फ्रांसिस बेकन को जो है फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, और मॉन्टेन को फादर ऑफ एसे कहा जाता है। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो प्ले है द टेम्पेस्ट, उसकी हीरोइन कौन है? तो उसकी हीरोइन है मिरेंडा। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलोज इट। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट, दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स अवर सोवर्ड
इन अवर ओवन प्रॉपर एंट्रेल्स. वॉट इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ओ जूलियस सीजर द आर माइटी यट, कि तुम तो अभी भी शक्तिशाली हो. द स्प्रिट वॉक अब्रॉड एंड टर्न्स अवर सोर्ड्स इन अवर प्रॉपर एंट्रेल्स, और तुम्हारी जो स्प्रिट है वो अभी भी घूम रही है. तो इसका मतलब क्या है? ब्रूटस वॉज टू माइटी, कि जो ब्रूटस था वो बहुत ही शक्तिशाली था. सीजर वॉज माइटी एवन आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद भी जो सीजर है वो बहुत ही ज़्यादा माइटी है. एंटोनी वॉज माइटी या कैसेस वॉज माइटी, तो इसका आंसर होगा सीजर वॉज माइटी एवन आफ्टर हिज डेथ. यानी कि जब सीजर का मर्डर कर दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी जो है सीजर को माइटी दिखाया गया है. वो कहते हैं कि जो सीजर जो तुम हो वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा माइटी हो. द अबोव लाइन क्लियर्स इंडिकेट्स दैट सीजर वॉज ए पावरफुल मैन इवन आफ्टर हिज डेथ. इन द अबोव लाइन वी सी द व्यूज ऑफ ब्रूटस अबाउट जूलियस सीजर इनडोमिटेबल पावर. तो ये जो लाइन है ये ब्रूटस बोलते हैं. Who stays these words of Shakespeare's soul of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage. ये जो लाइन है शेक्सपियर के लिए किसने बोली है? मैथ्यू ऑर्नोल ने, टी एस एलियट ने, बेन जॉनसन ने या एग्लेटन ने? तो ये जो बोली है ये बेन जॉनसन ने बोली है. मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है? बैंको, डंकन, यागो या हेमलेट? तो मैकबेथ जो घोस्ट देखते हैं वो देखते हैं बैंको का. Covers die many times before their deaths. The valet never tastes of death at once. These lines have been taken from. कि कायर जो है वो तो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं लेकिन जो बहादुर होते हैं वो केवल एक बार ही मौत का स्वाद चखते हैं. तो ये लाइन किसने बोली थी? द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस या ओथेलो? कौन से प्ले में ये लाइन हमें देखने को मिलती है? तो ये लाइन हमें देखने को मिलती है जूलियस सीजर में. और ये लाइन जो है सीजर बोलते हैं जब उनकी वाइफ उनको बाहर जाने के लिए मना करती है क्योंकि वो डरी हुई होती है. शेक्सपियर वॉज बोर्न इन, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 1564, 1464, 1664 या 1364? तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में. द राइटर ऑफ कोरियोलेनस इज, कोरियोलेनस के राइटर कौन है? कोरियोलेनस जो है ये विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है. तो इसका सही आंसर होगा सी, विलियम शेक्सपियर. वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. जो एक बेस्ट प्ले है द टेम्पेस्ट, ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले भी कहा जाता है. ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाई विच इंसिडेंट, और वो किस इंसिडेंट से इंस्पायर हुए थे इसे लिखने के लिए? शिकिंग ऑफ ए सिप, एक जहाज के डूबने से. द डिफीट ऑफ आर्मडा, आर्मडा के डिफीट से. रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ द शिप डेट हैड डिसअपीयर, या एक ऐसा शिप जिसके सेलर डिसअपीयर हो गए थे उसके रिटर्न से. या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं. तो इसका सही आंसर होगा सी, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप डेट हैड डिसअपीयर. व्हाट इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की डेथ कौन से ईयर में हुई थी? 1624, 1616, 1611 या 1610? तो शेक्सपियर की डेथ हुई थी 1616 में, 1616 में. शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन, शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस वो कब प्रोड्यूस्ड हुए थे? 1596, 98, 99 या 96? तो वो प्रोड्यूस हुआ था 1598 में. द फॉल्ट डियर ब्रिटस इज नॉट इन अवर स्टार्स बर्न बट इन अवर सेल्व्स डेट वी आर अंडरलिंग्स. कैसेस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रिटस बिकॉज, केसेस जो है इसको बोलता है ब्रिटिश के सामने, और वो क्यों बोलता है? ही लव्स ब्रिटिश एंड वांटेड टू सी हिम ऑन द टॉप, क्योंकि वह ब्रिटिश से प्यार करता है और वो उसे टॉप पर देखना चाहता है. ही हेट्स ब्रिटिश एंड वांटेड टू किल हिम, वो जो है ब्रिटिश को मारना चाहता है और वो, क्योंकि वो ब्रिटिश से घृणा करता है. ही हेट्स सीजर एंड वांटेड टू किल हिम, वो सीजर से घृणा करता है और उसको मारना चाहता है. ही वॉज ज्वेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर, वो सीजर की बढ़ती हुई पावर को देखकर ज्वेलस है. एंड वॉन्टेड टू इंसाइट ब्रिटिश अगेंस्ट सीजर, और वो ब्रिटिश को भटकाना चाहता है सीजर के खिलाफ. तो इसका सही आंसर होगा डी, कैसेस जो है वो ब्रिटिश को सीजर के खिलाफ करना चाहता है इसीलिए वो ये लाइन बोलता है. रिकलेक्ट रोमियो एंड जैलेट जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर स्टेप्स. रोमियो एंड जूलियट पर ये लाइन है माई लाइफ इज माई फोर स्टेप्स, ये किस लिए कही गई है? डेट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन ए लोन, या डेट समवन वॉज ट्राइंग टू किल हिम,
दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ द फैमिली ऑफ हिज फैमिली नन ऑफ द अबोव। ये जो है रोमियो कहता है वो क्यों कह रहा है, तो वो कहता है क्योंकि वो एक जूलियट से प्यार करता है, एक लड़की से, और जूलियट की जो फैमिली है वो रोमियो की फैमिली की दुश्मन है, वो दोनों फैमिली जो है एक दूसरे की दुश्मन है। तो डैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अप स्टार्ट क्रो, एन अप स्टार्ट क्रो जो है शेक्सपियर को किसने कहा है, तो ये कहा है रॉबर्ट ग्रीन ने। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लाइन आती है कि लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, कि लाइफ तो एक टेल है जिसे किसी इडियट ने बताई है और ये साउंड और फ्यूरी से फुल है। तो ये जो है हमें देखने को मिलती है मैकबेथ में, मैकबेथ में ये जो एक्ट फाइव में हमें देखने को मिलती है। नंबर 101, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो जो एक प्ले रहा है उसकी जो स्टोरी थी वो कौन सी कंट्री में सेट हुई थी, कौन सी कंट्री में जो है वो दिखाई गई थी, डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस या इंग्लैंड, तो इसका आंसर है वेनिस, क्योंकि इसका जो सबटाइटल है वो भी है द मूर ऑफ वेनिस। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ओथेलो की जो स्टोरी है वो वेनिस में सेट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजडी ऑफ ओवरलीपिंग एम्बिशन। शेक्सपियर की वो कौन सी ट्रेजडी है जिसमें ओवरलीपिंग एम्बिशन दिखाई गई है, किंग लियर, मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो, तो इसका सही आंसर होगा मैकबेथ। मैकबेथ में जो है ओवरलीपिंग एम्बिशन को दिखाया गया है, मैकबेथ के अंदर एम्बिशन दिखाई गई थी। द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज, विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं, 154, 156, 148 या 160, तो शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, 1575, 1564, 1512 या 1616, तो विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में और 1616 में उनकी डेथ हुई थी। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो एक प्ले रहा है द टेम्पेस्ट, इसकी हीरोइन कौन थी, वोयला, पोर्शिया, मिरेंडा या पैट्रिक, तो इसकी जो हीरोइन थी डेट वॉज पोर्शिया। वीनस एंड एडोनिस इज ए पोयम रिटन बाय, वीनस और एडोनिस पोयम किसने लिखी है, तो ये लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज ए, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है मेजर ऑफ मेजर उसका जेनरे क्या है, वो एक ट्रेजडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है या ट्रेजी कॉमेडी है, तो जो मेजर फॉर मेजर है वो एक कॉमेडी है। हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर या व्योट, तो ये जो सोनेट है ये इंग्लैंड में लेकर आए थे थॉमस व्योट। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजडी, शेक्सपियरियन ट्रेजडी किसने लिखी है, ए सी ब्रैडली, एडवर्ड ब्रैडली, एफ एच ब्रैडली या फिर डॉक्टर हेनरी ब्रैडली, तो ये लिखी है ए सी ब्रैडली ने। If we are marked to die, we are a no to do our country loss and if to live the fewer men the greater share of honor. Who says this? ऐसा किसने कहा था, ये जो लाइन है ये कौन से प्ले से ली गई है और ऐसा किसने बोला था, तो ये बोला था किंग हेनरी ने। The above mentioned lines have been taken from the Shakespeare's historical play King Henry V. किंग हेनरी फिफ्थ से ये लाइन ली गई है। किंग हेनरी इज़ द कैरेक्टर हु स्पीक्स दिस लाइन और किंग हेनरी ने ये लाइन्स बोली थी। और कौन से एक्ट में, एक्ट फोर सीन थर्ड, एक्ट फोर सीन थर्ड में ये बोली थी और किसको बोली थी, ये बोली थी वेस्टमोरलैंड को, वेस्टमोरलैंड को। क्या लाइन है एक बार फिर से आप देख लीजिए, इफ़ वी आर मार्क टू डाई वी आर एनओ टू डू आवर कंट्री लॉस एंड इफ टू लिव
द फ्यूअर मैन द ग्रेटर शेयर ऑफ ऑनर. चूज द वन डेट डज नॉट मैच. इनमें से कौन सा जो है मैच नहीं होता. टच स्टोन एज यू लाइक इट. ये सही है क्योंकि टच स्टोन जो है एज यू लाइक इट में ही है. गोनेरिल किंग लियर ये भी सही है. गोनेरिल किंग लियर की बेटी है. सिन्ना जूलियस सीजर ये भी सही है. और गोबो ट्वेल्थ नाइट ये सही नहीं है. गोबो ट्वेल्थ नाइट में नहीं है. तो इसका आंसर होगा डी. ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज अक्वर्स इन शेक्सपियर्स प्ले. ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज. ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में आती है. ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट या हैमलेट. तो ये जो लाइन आती है ये आती है एज यू लाइक इट में. द अबोव लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट में ये लाइन आती है द वर्ल्ड इज ए स्टेज. और कौन से एक्ट में. एक्ट सेकेंड और सीन सेवन ऑफ दिस प्ले. और इस लाइन को कौन बोलता है. इस लाइन को जैकेस बोलते हैं. टू ड्यूक ड्यूक सीनियर से बोलते हैं. वो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज है और जितने भी मैन और वुमेन हैं यहाँ पर ये प्लेयर्स हैं. यानी कि ये अपना रोल पार्ट कर रहे हैं और ये वर्ल्ड एक स्टेज की तरह है. ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज. सर टॉबी बेल्च इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले. सर टॉबी कौन से प्ले में आते हैं शेक्सपियर के. हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ या ओथेलो. तो ये आपको देखने को मिलेंगे ट्वेल्थ नाइट में. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन. शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो इन लाइन से स्टार्ट होता है कि हम तीनों दोबारा कब मिलेंगे. थंडर में, लाइटनिंग में या फिर रेन में. यानी कि जब बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी या फिर बारिश होगी, हम कब मिलेंगे. तो ये जो लाइन है स्टार्टिंग की, ये लाइन है स्टार्टिंग की मैकबेथ की. मैकबेथ जब प्ले स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में जो है हमें थ्री विचेस दिखाई जाती हैं जो ये लाइंस बोलती हैं. मैकबेथ पर जो है मैं एनिमेटेड एक वीडियो बना रही हूँ. अभी मैंने उस थोड़ा सा उसका पार्ट डाला भी है, अपलोड किया है मैंने. आप उसको देखिएगा. और जो है मैं उस प्ले की पूरी स्टोरी पर एनिमेटेड वीडियो बनाने की सोच रही हूँ. और शेक्सपियर के मोस्टली जितने भी प्ले हैं इम्पोर्टेंट सब पर जो है मैं एनिमेटेड वीडियो बनाऊंगी. आप लोग देखेगा ज़रूर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर की जो लिटरेरी एज है उसका क्या नाम था. कौन सी एज से शेक्सपियर बिलोंग करते थे. विक्टोरियन, रोमांटिक, एलिजाबेथन या नन ऑफ दीज. तो जो शेक्सपियर थे वो बिलोंग करते थे एलिजाबेथन एज से. एलिजाबेथन एज. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द सेवन एजेस ऑफ मैन. शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो सेवन एजेस ऑफ मैन को डिस्क्राइब करता है. मैकबेथ, किंग लियर. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द सेवन एजेस ऑफ मैन. शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो सेवन एजेस ऑफ मैन डिस्क्राइब करता है. मैकबेथ, किंग लियर, हेमलेट या एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा. तो शेक्सपियर का वो प्ले है, इनमें से कोई नहीं है वो प्ले. ये पीजीजी 2010 में आया था. तो ये शायद ये क्वेश्चन एफ में गया होगा, फॉल्स में गया होगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है एज यू लाइक इट. शेक्सपियर का जो प्ले है एज यू लाइक इट उसमें जो है डिस्क्राइब द सेवन एजेस ऑफ मैन. ये सेवन एजेस ऑफ मैन जो है उसमें डिस्क्राइब की गई है. ये एक जो है पोयम है जो स्टार्ट होती है ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज से के फेराज से. वीनस एंड एडोनिस इज ए पोयम बाय. वीनस और एडोनिस किसने लिखी है. तो वीनस और एडोनिस लिखी है विलियम शेक्सपियर ने. शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वाज अटर्ड बाय. ये जो लाइन है शेक्सपियर के लिए कि ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये किसने कही है. तो शेक्सपियर के लिए जो ये लाइन बोली है, ये लाइन बोली है बेन जॉनसन ने. बेन जॉनसन. फ्रॉम वेयर दिस लाइन हैव बीन टेकन हु इज द स्पीकर. वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप. तो ये जो लाइन है ये किसने बोली है कि हम तो ऐसे स्टफ है जैसी एज ड्रीम आर मेड ऑन,
जिस पर कि ड्रीम बनाए जाते हैं एंड अवर लिटिल लाइफ, और जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी छोटी सी जिंदगी है, इज़ राउंडेड विद ए स्लीप, वो स्लीप के साथ जो है राउंड कर रही है। तो ये लाइन जो है ये बोली है प्रेस प्रोस्पेरो ने, और ये आई है टेम्पेस्ट प्ले से, द टेम्पेस्ट प्ले। ये जो लाइन है ये द टेम्पेस्ट ड्रामा से ली गई है। और जो है ये लाइन बोलते हैं, ये जो फाइव एक्ट का एक प्ले है, और ये लाइन प्रोस्पेरो के द्वारा बोली जाती है एक्ट फोर सीन फर्स्ट में, और टेम्पेस्ट जो है लिखा गया था 1611 में, और फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुआ था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स आर ट्रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने बोली है? टाइगर्स आर ट्रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट, तो ये बोली है रॉबर्ट ग्रीन ने। इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर को जो है गिल्टी पाया गया था डियर पोचिंग के लिए। किसके गार्डन में उन्होंने ये काम किया था? विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस ल्यूसी या थॉमस थोर्पे? तो इसका सही आंसर है सी, थॉमस ल्यूसी। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग एंड कॉन्डेल? जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, हेमिंग और कॉन्डेल के द्वारा जो है ये पब्लिश किया गया था, तो इसमें जो है शेक्सपियर का कौन सा ऐसा ड्रामा था जो इंक्लूड नहीं था? शेक्सपियर के जो है 36 प्ले इसमें पब्लिश हुए थे, और एक प्ले जो इसमें पब्लिश नहीं हुआ था डेट वॉज पेरिकल्स। पेरिकल्स जो है इस फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टेंजा ऑफ वीनस एंड एडोनिस, जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है कितने लाइन के स्टेंजास में? 4 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन्स या 9 लाइन्स? तो वीनस एंड एडोनिस लिखा गया है 6 लाइन के स्टेंजा में। द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमैन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय, ये जो लाइन है कि दिस इज द नोबलेस्ट रोमैन ऑफ देम ऑल, ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है एंटोनी के द्वारा, और ये लाइन बोली गई थी ब्रूटस को। ब्रूटस को ये कही गई थी, लेकिन ये लाइन कही थी एंटोनी ने। हार्मिया इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर, हार्मिया जो है एक कैरेक्टर है शेक्सपियर की, कौन से प्ले में है हार्मिया? तो ये आपको मिलेगा ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, हार्मिया और हेलेना। वेयर फ्रॉम द लाइन्स फियर नो मोर द हार्ट और द सन नोर द फ्यूरियस विंटर्स रेजिस दउ दाई वर्डली टास्क हैज डन होम आर्ट कोन एंड टेकन दाई वेजिस, तो ये लाइन आपको कौन से प्ले में देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी सिम्ब लाइन में, कि फियर नो मोर द हार्ट ओ द सन नोट द फ्यूरियस विंटर्स रेजिस। वेयर फ्रॉम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हियर ब्लेस्ड बी द मैन डेट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड क्रस्ट बी ही डेट मूव्स माई बोन्स, तो ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर के जो है टॉम्प पर लिखी गई है, एपिटफ है ये विलियम शेक्सपियर का, तो ये आपको शेक्सपियर की टॉम्प पर मिलेगी, तो शेक्सपियर्स टॉम्प। हु मिल्टन कंसिडर हिज मास्टर इन पोइट्री, मिल्टन जो है किसको अपना मास्टर मानते थे पोइट्री में? तो वो जो है अपना मास्टर मानते थे एडमंड स्पेंसर को। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन, शेक्सपियर के जो बेस्ट वर्क थे वो कब किए गए थे? बिफोर 1595, बिफोर 1601, आफ्टर 1612 या आफ्टर 1603? तो ये जो क्वेश्चन है इसका कोई आंसर, सटीक आंसर नहीं दिया जा सकता। ये टीजी 2001 में आया था, जस्ट बिकॉज ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, और ये जो है ये शॉर्ट आउट कर पाना कि कौन से पीरियड में जो है विलियम शेक्सपियर ने अपना बेस्ट वर्क दिया था, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अगर हम उनके वर्क को देखें तो उन्होंने बहुत से जो है बेस्ट वर्क अपने 1601 से पहले भी किए हैं, और 1603 के बाद भी उन्होंने अपने बहुत सारे बेस्ट जो वर्क है वो लिखे हैं। क्योंकि जो उनकी ग्रेट ट्रेजडीज़ है वो 1603 के बाद ही लिखी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि किंग लियर जो है 1605 में, और मैकबेथ 1606 में। और अगर बात करें हम 1601 से पहले की, तो उन्होंने जूलियस सीज़र लिखा था 1599 में,
तो इसीलिए जो है इनके ये सब बेस्ट वर्क है, तो इसीलिए ये शॉर्ट आउट कर पाना कि कौन सा जो है उनका बेस्ट पीरियड रहा है, ये बहुत ही मुश्किल है। विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजडीज। शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजडीज हैं, शेक्सपियर की जो है चार जो है वो मेजर ट्रेजडीज हैं, तो उनको अगर हमें क्रोनोलॉजिकल लाइट पे लगाना है, क्रोनोलॉजिकल जो है ऑर्डर में उनको हमें लगाना है, तो उसके लिए जो है एक रूल है HOKM, ये याद रख लीजिए। एच से हेमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर और एम से मैकबेथ। ये जो है क्रोनोलॉजिकल उनका जो है सही ऑर्डर है, तो इसका आंसर ए होगा। हु हैज़ रिटन सिम्बेलाइन। सिम्बेलाइन किसने लिखा है, तो सिम्बेलाइन एक प्ले है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for sport. The above lines by Shakespeare occurred in the play. तो ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के एक प्ले में आती है। कौन से प्ले में जो है आपको ये लाइन देखने को मिलेगी कि as flies to wanton boys, कि जैसे wanton boys के लिए flies होती हैं, क्या हम भी उसी तरह हैं गॉड के लिए, जो कि हमें मारकर स्पॉट, जिनके लिए जो है हमें मारना एक स्पॉट है, यानी कि जैसे वॉन्टन बॉयज जो है फ्लाइज को मारकर एक स्पॉट समझते हैं, उसी तरह के गॉड भी हमें मारकर अपना स्पॉट समझते हैं। तो ये जो लाइन है ये आपको देखने को मिलेगी किंग लियर में, और ये लाइन बोली जाती है ग्लोकस्टर के द्वारा। द अबोव लाइन्स बाय शेक्सपियर अक्वर्ड इन द प्ले किंग लियर एक्ट फोर और सीन फर्स्ट। एक्ट फोर के सीन फर्स्ट में आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। ग्लोसेस्टर जो है इसका स्पीकर है, और ये और वो कब बोलता है, जब उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है कॉर्नवेल और रेगन के द्वारा। कॉर्नवेल और रेगन जो है उसको ब्लाइंड कर देते हैं, और अब वो जो है इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर घूम रहा है, और वो सुसाइड करना चाहता है। वो एक हिल के ऊपर जा रहा है ताकि वो वहाँ से जंप कर सके और वो सुसाइड कर सके, क्योंकि अब वो जीना नहीं चाहता। ये जो लाइन है उसके डिस्पेयर को दिखाती है, और ड्राइव हिम टू डिज़ायर इज ओवर डेथ, और वो जो है अब मरना चाहता है। ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ, ओथेलो जो है डेस्डेमोना को मार देता है आउट ऑफ एंगर, हेटर्ड, लव या इग्नोरेंस। तो जो ओथेलो है वो डेस्डेमोना को जो मारता है वो इग्नोरेंस की वजह से मारता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि जो डेस्डेमोना थी वो इनोसेंट थी। ओथेलो जो एक प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। इन दिस प्ले ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना इन एक्ट सीन सेकंड, एक्ट फाइव सीन सेकंड में जो है वो उसको मारता है आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से। बिकॉज ही रियलाइजेस टू लेट, क्योंकि बहुत बाद में जो है उसको रियलाइज होता है डेट की ही हैड बीन ट्रिक्ड, कि उसको ट्रिक किया गया एंड मैनिपुलेटेड बाय इयागो, और इयागो ने जो है उसको मैनिपुलेट किया। द मोस्ट नोटोरियस विलन इन द प्ले, और इयागो कौन था, इयागो जो है ओथेलो प्ले का सबसे ज़्यादा नोटोरियस विलन है। इयागो इन द प्ले ओथेलो इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एंड मिस्टीरियस विलन इज ऑफ ऑल टाइम। ओथेलो का जो विलन है इयागो, उसे जो है मोस्ट नोटोरियस और मिस्टीरियस विलन कहा जाता है। ही वॉज ए लायर अकॉर्डिंग टू एमेलिया, एमेलिया के अकॉर्डिंग वो एक झूठा था। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानती थी कि डेस्डेमोना वॉज कम्प्लीटली फेथफुल, कि जो डेस्डेमोना है वो बिल्कुल फेथफुल है। डेस्डेमोना इन द प्ले ओथेलो डेपिक्ट एज ए लेडी ऑफ स्प्रिट एंड इंटेलिजेंट। जो डेस्डेमोना है उसको बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी लेडी के रूप में दिखाया गया है जो स्प्रिट और इंटेलिजेंस है, और वो जो है एक डायरेक्ट और ऑनेस्ट स्पीकर भी है इस प्ले की। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखी है रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स या सेंटिमेंटल कॉमेडीज। तो शेक्सपियर की जो कॉमेडीज थी वो रोमांटिक कॉमेडीज थी। द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इज सेड ऑफ, ये जो लाइन है द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट इस सेट ऑफ, ये किसके बारे में कही गई है, तो ये कही गई है फ्रांसिस बैकन के बारे में, और ये लाइन किसने बोली है, ये लाइन बोली है अलेक्जेंडर पॉप ने। तो द ग्रेट क्लासिकल पोइट अलेक्जेंडर पॉप ने जो है फ्रांसिस बैकन को बोला था द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। जो फ्रांसिस बैकन थे
उनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता था, और वो केवल फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे ही नहीं थे बट आल्सो एक ग्रेटेस्ट राइटर। वो एक ग्रेट राइटर थे, स्टेट्समैन थे, फिलोसोफर थे और पॉलिटिशियन भी वो रहे थे। और उनके जो ऐसे हैं वो फेमस हैं फॉर देयर विट एंड एफ्रोस्टिक स्टाइल, अपने एफ्रोस्टिक स्टाइल और विट के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर वॉज बोर्न एट, शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? स्टार्टफोर्ड एट एवन, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन, स्टार्टफोर्ड इन एवन, स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। अब इस क्वेश्चन पर भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ये है। कुछ का मानना है कि एट ओवन है और कुछ का मानना है कि अपॉन एवन है। ये TGT 2010 में आया था और इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर शायद बी माना गया है, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन। बाकी जो है सही आंसर तो इसका मुझे भी नहीं पता, एट ओवन या अपॉन एवन। अवर बॉडीज आर अवर गार्डन्स, हमारे जो बॉडीज हैं वो हमारे गार्डन्स हैं, हमारे बगीचे हैं। टू विच अवर व्हील्स आर गार्डनर्स, और जो हमारी व्हील्स हैं वो गार्डनर्स हैं। तो ये जो है स्पीच ये आपको कहाँ मिलेगी? हैमलेट में, इयागो में। सॉरी, ये स्पीच किसने बोली थी? हैमलेट ने, इयागो ने, वायला ने या ब्रूटस ने? तो ये स्पीच बोली गई थी इयागो के द्वारा, और इयागो जो है आपको ओथेलो के प्ले में मिलेगा। ओथेलो में जो है इयागो विलन है। वॉट इज ट्रू टू द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर सोनेट के फॉर्म में इनमें से कौन सा सही है? इट हैज़ एन ऑक्टेव, क्या शेक्सपियर के सोनेट में आपको ऑक्टेव मिलेगा? नहीं, ऑक्टेव नहीं मिलेगा। ऑक्टेव और सेस्टेट जो है शेक्सपियर के सोनेट में नहीं थे बल्कि वो पेट्रार्कन सोनेट में थे। इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड फॉर्म विथ नो सच डिवीज़न, ऐसा भी नहीं है, डिवीज़न तो है। इट हैज़ थ्री क्वार्टर्स एंड ए कपलेट, ये बिल्कुल सही है। इट हैज़ द एंडिंग ऑफ अल्टरनेट लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर है सही सी, शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उसमें थ्री क्वार्टेंस और एक कॉपलेट है। तो इस तरह जो है ये 14 लाइंस का एक सोनेट उनका होता है। हु इज़ नोन एज द पोइट्स पोइट, पोइट्स पोइट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडमंड स्पेंसर को, तो ये बोला जाता है एडमंड स्पेंसर। कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन, जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग गई थी कौन से ईयर में? 1617, 1619, 1613 या 1609? तो इसका सही आंसर है सी, 1613, 1613 में, और 1614 में उसको रीबिल्ड कर लिया गया था। वॉट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच इन शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के सोनेट में मिस्टर डब्ल्यू एच का पूरा नाम क्या था? जो शेक्सपियर के 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट्स मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेट हैं तो उनका क्या नाम था? विलियम हर्बर्ट, विलियम हेनरी, विलियम हार्टले या विलियम हैरी? तो उनका जो नाम था डेट वॉज विलियम हर्बर्ट। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर ने डार्क लेडी को कितने सोनेट्स एड्रेस किए हैं? तो शेक्सपियर के जो है टोटल 154 सोनेट्स हैं जिसमें से 1 से लेकर 126 तक यानी कि 126 जो सोनेट है वो उन्होंने डब्ल्यू एच को डेडिकेट किए हैं, और 26 सोनेट जो है उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं, और लास्ट के जो दो सोनेट्स हैं वो उनके लव सोनेट्स हैं। तो डार्क लेडी को जो है उन्होंने 26 सोनेट्स डेडिकेट किए हैं। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डब्ल्यू एच बाई शेक्सपियर, और शेक्सपियर ने जो है डब्ल्यू एच को कितने सोनेट्स एड्रेस किए हैं? तो 1 से लेकर 126 तक यानी कि 126। इसका आंसर होगा डी। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, पोर्शिया जो है कौन से प्ले की हीरोइन है? हैमलेट की, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, द टेम्पेस्ट या द मर्चेंट ऑफ वेनिस? तो पोर्शिया जो है हमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलती है, मर्चेंट टू वेनिस की जो हीरोइन है पोर्शिया। द लाइन्स इज कैन नॉट विद हर नोर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वेराइटी, ये लाइन किसके लिए बोली गई है कि इज कैन नॉट विद हर नोर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वेराइटी? ये बोली गई है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में, और ये जो लाइन है ये बोली है क्लियोपेट्रा के लिए।
क्लियोपेट्रा के लिए जो है ये लाइन कही गई है। हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर। शेक्सपियर की जो वुमेन कैरेक्टर रही है उसमें से फोर्थ विच किसको कहा जाता है, लेडी मैकबेथ, जर्ट्रूड, कॉर्डेलिया या डेस्टेमोना? तो जो फोर्थ विच है वो कहा गया है लेडी मैकबेथ को। फिल इन द गैप, किंग लियर हैड डॉटर्स। किंग लियर की कितनी डॉटर्स थी, 2, 3, 4 या 5? तो किंग लियर की 3 डॉटर्स थी। और कौन कौन थी वो, उनके क्या क्या नाम थे? तो इन विलियम शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले किंग लियर, लियर्स डॉटर्स गोनेरिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया, 3 उनकी बेटियां थी, गोनेरिल, रीगन और कॉर्डेलिया, सर्व एज ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स ऑफ गुड एंड एविल। और वो जो है गुड और एविल को डिस्क्राइब करती हैं। किंग लियर जो है वो द एल्डरली किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के जो एक एल्डरली राजा थे, और उन्होंने जो है डिसाइड किया था कि वो अपने किंगडम को अपनी तीनों बेटियों में बराबर बराबर बांट देंगे। और रेगन और जो गोनेरिल थी वो लियर की ओल्डेस्ट डॉटर थी, बड़ी जो है उनकी पुत्रियाँ थी, और जो लियर की सबसे छोटी बेटी जो थी उनकी वो थी कॉर्डेलिया। When was the first complete collection of Shakespeare's play known as the first folio published? Shakespeare का जो पहला प्ले था फर्स्ट फोलियो, सॉरी शेक्सपियर का जो प्लेस थे जो सबसे पहले बार फर्स्ट पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में, फर्स्ट फोलियो जो उनका आया था, हेमिंग और कॉर्नेल ने उन्हें पब्लिश किया था, तो वो कौन से ईयर में आया था? तो वो आया था 1623 में। और जो शेक्सपियर के जो है 4 फोलियो आए हैं, पहला जो है 1623 में आया था, दूसरा 1632 में, तीसरा 1663 और चौथा 1685 में। तो 1623 में पहला, दूसरा 1632, तीसरा 1663 और चौथा 1685 में आया था। 4 जो है शेक्सपियर के टोटल फोलियो आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट बाय शेक्सपियर, इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? मच एडो अबाउट नथिंग लिखा गया है, एडवर्ड सेकंड नहीं लिखा गया, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम यस, और किंग हेनरी फोर्थ यस। तो इसका सही आंसर होगा बी। हु रिवाइज्ड किंग लियर सो डैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। किसने जो है किंग लियर को रिवाइज किया था, दोबारा से जो है किंग लियर को लिखा था ताकि जो कॉर्डेलिया है वो लास्ट में एडगर से शादी कर सके? नोहम टेट, जॉनसन, रिचर्ड बेंटली या राइमर? तो इसका सही आंसर है नाहुम टेट ने जो है एक पोइट लॉरेट रहे हैं इंग्लैंड के, और एक प्ले राइट भी ये थे, और इन्होंने जो है ग्रेजुएशन की थी ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से। इन्होंने बहुत से प्ले लिखे हैं, सम प्ले ऑफ हिज ओवन, बट बेस्ट नोन फॉर हिज अडेप्शन ऑफ द एलिजाबेथन प्ले राइट्स। यानी कि इन्होंने जो है कुछ प्ले अपने अभी लिखे हैं, और कुछ जो है इन्होंने एलिजाबेथन के जो प्ले राइट रहे हैं उनसे अडोप्ट किए हैं। और उनका जो वर्जन था शेक्सपियर का, जो किंग लियर का, उन्होंने एक वर्जन लिखा था और उसको जो है उन्होंने एक हैप्पी एंडिंग दी थी। कॉर्डेलिया ने जो है एडगर से शादी कर ली थी इनके प्ले में। हेल्ड द स्टेज वेल इन टू द 19th century, और 19th century में उनका ये प्ले आया था। तो 151, स्टार्टफोर्ड ऑन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर बोर्न, वेयर इज इट लोकेटेड? स्टार्टफोर्ड ऑन एवन एक प्लेस है जहाँ पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था, ये कहाँ पर लोकेटेड है? वॉरविकशायर, लंदन, ससेक्स या एडिनबर्ग? तो ये जो लोकेटेड है ये वॉरविकशायर में है। नेक्स्ट, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, हु स्पीक्स दिस लाइन्स? ये पहले भी आया था क्वेश्चन कि ये कौन से प्ले में था, और अब ये पूछ रहा है कि इस लाइन जो है कौन बोलता है। तो ये जो लाइन है ये बोलते हैं जैकस। एज यू लाइक इट में जो है ये लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, और ये लाइन बोली जाती है जैकस के द्वारा। टू विच वर्क ऑफ हिज ओवन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन, अपने कौन से वर्क को जो है शेक्सपियर ने बोला था द फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन? शेक्सपियर ने ये बोला था वीनस एंड एडोनिस। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर डज द मैड ऑफेलिया नॉट गिव अवे,
इनमें से कौन सा फ्लावर है जिसको कि मैड ऑफेलिया नॉट गिव अवे नहीं करती? वायलेट्स, पेंसीज, रोजमेरी या कोलम्बाइंस? तो इसका आंसर है वायलेट्स। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ओथेलो की जो स्टोरी है वो कौन सी कंट्री में सेट है? तो जो ओथेलो की स्टोरी है वो वेनिस में सेट है, क्योंकि उसको द मूर ऑफ द वेनिस भी कहा गया है, द मूर ऑफ वेनिस। हु रोट लिलीज डेट फेस्टर स्मेल फार वर्स देन वीट्स? ये किसने कहा है? ये जो है शेक्सपियर ने कहा है, और ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के सोनेट 94 से ली गई है, और ये जो सोनेट है शेक्सपियर का इसको जो है द मोस्ट पजलिंग सोनेट्स भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स नंबरस मेटाफर्स, द मेटाफर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डीपली एम्बिजियस। लाइन 14 स्पीक्स ऑफ फ्लावर लिलीज, जो लाइन 14 है उसमें ये लाइन आती है। एलिसनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ ए शेक्सपियरियन प्ले विच? जो ये एलिसनोर इन डेनमार्क है ये सीन शेक्सपियर के कौन से प्ले में आता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा हेमलेट में। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। फ्रेलिटी द नेम इज वोमैन, दिस रिमार्क इज मेड बाय फ्रेलिटी, तुम्हारा ये नाम जो है वोमैन है, ये रिमार्क किसने कहा है? तो ये रिमार्क कहा गया है हेमलेट के द्वारा, और हेमलेट ने जो है ये अपनी मदर को कहा था, जर्ट्रूड को, जब उसकी मदर ने जो है उसके अंकल से शादी कर ली थी, तो और हेमलेट के फादर की डेथ हो गई थी, उसके तुरंत बाद ही जो है जर्ट्रूड ने, यानी कि हेमलेट की मदर ने हेमलेट के अंकल क्लोडियस से शादी कर ली थी। तो इसीलिए जो है हेमलेट जो है उस वक्त बहुत परेशान था कि कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद ही उसकी माँ ने उसके चाचा से दोबारा शादी कर ली। तो उस वक्त वो बहुत निराश था, और वो ये जो है उसकी सोले लिखी है, लेकिन ये अपनी माँ के लिए वो बोलता है। द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे ईच, इंग्लिश एसे के फादर किसको कहा जाता है? तो इंग्लिश एसे के फादर कहा जाता है मॉन्टेन को। और जो फ्रांसिस बेकन है, सॉरी फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। जो फादर ऑफ एसे है वो कहा जाता है मॉन्टेन को, और जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे है वो कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। कम दाउ मॉर्टल रेच विद दाय शार्प टीथ दिस नोट इंट्रिंसिकेट इन विच बुक्स टू द अबोव लाइन एक्वायर्स, ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलेगी? कम दाउ मॉर्टल रेच, ये हमें देखने को मिलेगी एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। इन विच शेक्सपियर प्ले डज द फॉलोइंग एक्वायर, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर हेयर फॉर द डार्क, ये लाइन शेक्सपियर के कौन से प्ले में आती है कि जो ब्राइट डे है वो डन हो गया है, ख़त्म हो गया है, और अब हम अंधेरे में आ गए हैं? तो डेट लाइन आपको मिलेंगी, दिस लाइन इज इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटोनी और क्लियोपेट्रा में जो है ये लाइन है। शेक्सपियर द टेम्पेस्ट इज ए, शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है वो क्या है? ट्रेजडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी या हिस्ट्री प्ले? तो ये ट्रेजी कॉमेडी है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है ट्रेजडी से होता है और इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट में जो है आइडियल कॉमनवेल्थ किसने डिस्क्राइब किया था? फर्डिनेंड, प्रोस्पेरो, मिरंडा या गोंजेलो? तो ये क्या था? गोंजेलो ने जो है आइडियल कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब किया था टेम्पेस्ट में, विच देयर वुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि एक ऐसा कॉमनवेल्थ जहाँ पर ना तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ना कोई मजिस्ट्रेट होगा, ना कोई लेबर होगा, और ना इन इक्वेलिटी ऑफ रैंक होगी, यानी कि सब जो है इक्वल होगा। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल, शेक्सपियर ने अपने कौन से प्ले में एक रॉयल क्रिमिनल को प्रजेंट किया है? किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड या हेनरी एट्थ? तो उन्होंने जो रॉयल क्रिमिनल प्रजेंट किया है वो उन्होंने रिचर्ड थर्ड में दिखाया है। टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे द अबोव लाइन अक्वर्स इन, ये लाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा या मेजर फॉर मेजर? तो इसका सही आंसर है डी, मेजर फॉर मेजर। हु इज हेमलेट्स बिलव्ड इन हेमलेट, हेमलेट में जो है हेमलेट की बिलव्ड कौन थी? ओलिविया, पोर्शिया, ओफेलिया या कॉर्डेलिया? तो शी वॉज ओफेलिया। ओलिविया जो है ये आपको ट्वेल्थ नाइट में देखने को मिलेगी, पोर्शिया मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, और कॉर्डेलिया किंग लियर में। वॉट कुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हेमलेट, हेमलेट का ट्रेजिक फ्लो क्या था? नॉबल
ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वेलुटिंग एम्बिशन या नन ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए नोबल इन एक्शन। नोबल इन एक्शन जो है इसका ये आंसर होना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं है, तो इसका आंसर डी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जो हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ था वो इसलिए था क्योंकि वो अपने मतलब जो सोचता था वो कर नहीं पाता था, वो अपने डिले करता था, अपने जो डिसीजंस थे उसमें डिले करता था। लाइक जब वो क्लोडियस को मारना चाहता था तो वो क्लोडियस जो है उस टाइम प्रे कर रहा था, तो इसलिए हेमलेट जो है उस टाइम भी कि नहीं मैं नहीं मारूंगा इसको क्योंकि ये प्रे कर रहा है। तो अगर हेमलेट जो चाहता था वो करता ही नहीं था, वो सोचता ही रहता था कि मैं करूं या ना करूं, टू बी और नॉट टू बी। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? शेक्सपियर के कौन से प्ले में एडम अपीयर होते हैं? एडम का नाम का जो कैरेक्टर है वो आपको कौन से प्ले में देखने को मिलेगा? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट या द टेम्पेस्ट? तो एडम जो है एज यू लाइक इट में है। कंप्लीट द सेंटेंस, शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेस। शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं? 4, 6, 7, 8। तो इसका आंसर है 6। 6 जो है हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, कौन कौन से? किंग हैनरी 4th, किंग हैनरी 5th, किंग हैनरी 6th, किंग हैनरी 8th, किंग जॉन और रिचर्ड 2nd। शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस ऑल टुगेदर डील विद ए पीरियड ऑफ? शेक्सपियर की जो हिस्ट्री है वो एक साथ जो है कितने पीरियड को डील करती है? तो वो करती है 350 ईयर्स को, 350 साल को वो कवर करती है। इन विच शेक्सपियर प्ले डज कुरान अपीयर? कुरान जो है शेक्सपियर के कौन से प्ले में अपीयर होता है? मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर या हेमलेट? तो ये किंग लियर में, आपको किंग लियर में जो है कुरान नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। कुरान इज ए कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडी किंग लियर। ही प्लेज ए रोल ऑफ कोर्टियर इन द प्ले। वो क्या है? वो एक कोर्टियर है। ही एडवाइजेज एडमंड और वो एडमंड को एडवाइस करता है डेट की रीगन एंड कॉर्नवेल विल अराइव शॉर्टली एट ग्लोस्टर कैस्टल। जो कॉर्नवेल और रीगन है वो बहुत जल्दी जो है ग्लोस्टर के कैस्टल में पहुँचने वाले हैं। Which of these plays by Shakespeare does not use cross-dressing as a device? इनमें से वो कौन सा प्ले है जिसमें cross-dressing यूज़ नहीं की गई है? Cross-dressing का मतलब होता है Shakespeare ने जो है अपने प्ले में ज़्यादातर दिखाया है कि जो मतलब लड़कियां हैं वो अपना जो है रूप बदल लेती हैं, वो लड़कों का रूप ले लेती हैं। जैसे एज यू लाइक इट में अगर आप देखोगे तो उसमें जो रोजालिंड है वो जो है जब जंगलों में जाती है तो वो एक लड़का बन जाती है। इसी तरह जो सीलिया है वो भी जो है एक लड़का बन जाती है। तो ये जो क्रॉस ड्रेसिंग है ये आपको एज यू लाइक इट में भी देखने को मिलेगा, सिम्बेलाइन में भी, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी, लेकिन जूलियस सीजर में ऐसा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा डैट इज़ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में आपको क्रॉस ड्रेसिंग देखने को नहीं मिलेगा। विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द क्वोट माई सैलड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कम फ्रॉम? तो ये जो क्वोट है कि माई सैलड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट, ये कौन से प्ले में है? तो ये है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। नेक्स्ट, इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले? 1613 ईस्वी में क्या हुआ था कि ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। तो जिस वक्त ग्लोब थिएटर में आग लगी थी उस वक्त कौन सा प्ले चल रहा था? तो उस वक्त जो चल रहा था वो था हेनरी 8th। पिक द प्लेस वेयर ट्वेल्थ नाइट हैज़ बीन सेट। ट्वेल्थ नाइट जो एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वो कहाँ पर सेट है? किंगडम ऑफ डेनमार्क, किंगडम ऑफ इलेरिया, वेनिस या बीच आइसलैंड? तो ये जो ट्वेल्थ नाइट है ये सेट किया गया है किंगडम ऑफ इलेरिया में। हु डिड शेक्सपियर मैरी? शेक्सपियर ने किससे शादी की थी? एना हैथवे, मैरियोसिन ऑफ स्कॉट्स, जूडिथ सैटलर या सुसैना वेल? तो शेक्सपियर ने जो शादी की थी वो की थी एना हैथवे से, जो कि उनसे 8 साल बड़ी थी। इन 1594 शेक्सपियर बिकेम वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स ऑफ विच एक्टिंग कंपनी? 1594 में शेक्सपियर कौन सी कंपनी के फाउंडिंग मेम्बर्स बने थे? तो 1594 में शेक्सपियर बने थे द लॉर्ड चैम्बर्स मैन के। इन वट ईयर एज द ग्लोब थिएटर बिल्ड? ग्लोब थिएटर जो है कौन सी ईस्वी में बना था? तो ये बना था
निन्यानवे में, 1599 में ये बना था, 1613 में जो है इसमें आग लग गई थी और 1614 में ये रीबिल्ट हुआ था। हाउ इज सैम वानामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? जो सैम वानामेकर का एक नाम आता है ये विलियम शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड है? तो ये जो सैम वानामेकर थे इनका ही विज़न था कि ये ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड करे, तो इट वॉज़ हिज विज़न टू रीबिल्ड द ग्लोब थिएटर। हाउ मैनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट? शेक्सपियर ने जो है एक्चुअली कितने वर्ड्स जो है वो इन्वेंट किए हैं? तो शेक्सपियर ने जो है अबाउट 3000 वर्ड्स इन्वेंट किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट नोन टू हैव बीन बेस्ड ऑन एनी एग्जिस्टिंग लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क? इनमें से कौन सा प्ले है जो कि किसी भी लिटरेरी या हिस्टोरिकल वर्क पर बेस्ड नहीं है? विलियम शेक्सपियर ने अपने जितने भी प्लेस लिखे हैं उनमें से जो है उन्होंने मोस्टली किसी ना किसी को स्रोत माना है, कहीं ना कहीं से जो है सोर्स उन्होंने लिया है, लेकिन द टेम्पेस्ट जो है वो उनका ओरिजिनल सोर्स था। द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग अपीयर्स इन, ये लाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगी कि फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स? तो ये जो है आपको देखने को मिलेगी मैकबेथ में, कि प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिंग्स। इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम विच कैरेक्टर्स हैड इज ट्रांसफोर्ड इन टू डेट ऑफ एन एस? मिडसमर नाइट्स ड्रीम में किस कैरेक्टर का जो हेड है वो ट्रांसफोर हो जाता है एक एस में? तो ये होता है निक बॉटम द वीवर का, और ये कौन करता है? ये पक नाम का जो है एक फेरी है वो करता है पक, वो जो है निक बॉटम के फेस पर एस का फेस लगा देता है। माई वर्ड्स फ्लाई अप माई थॉट्स रिमेन ब्लो वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हैव एन गो। विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट अटर दीज लाइन्स? माई वर्ड्स फ्लाई अप माई थॉट्स रिमेन ब्लो वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हैव एन गो। तो ये जो है हैमलेट के अंकल क्लोडियस कहते हैं। द मूर ऑफ वेनिस इज द सब टाइटल ऑफ विच वन ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजडीज? द मूर ऑफ वेनिस जो है शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजडी का सब टाइटल है? तो डैट इज ओथेलो। ओथेलो को जो है द मूर ऑफ वेनिस भी कहा जाता है। विच टू एपोनीमियस कैरेक्टर फ्रॉम ए शेक्सपियर प्ले हैव द सरनेम्स मोंटेग एंड कैपलेट? मोंटेग और कैपलेट जो है ये आपको कौन से प्ले में देखने को मिलेंगे? दो फैमिली थी जो कि आपस में बहुत मतलब एनिमिटी रखती थी, आपस में जो है उन दोनों की दुश्मनी थी, और उनमें से एक का सरनेम था मोंटेग और एक का नाम था कैपलेट। तो ये आपको रोमियो एंड जूलियट में देखने को मिलेंगे। शेक्सपियर रोट ए प्ले अबाउट टू जेंटलमैन फ्रॉम विच इटालियन सिटी? शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था दो जेंटलमैन के बारे में, कौन सी इटालियन सिटी में? तो डैट इज वेरोना, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा माइट बी रिगार्डेड एज ए सीक्वल टू व्हाट अदर शेक्सपियर्स प्ले? जो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा था वो किस प्ले का सीक्वल माना जा सकता है, किस प्ले का सीक्वल जो है उसको कहा जाता है? तो वो जो सीक्वल कहा जाता है वो कहा जाता है जूलियस सीजर का, क्योंकि उसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो जूलियस सीजर से आगे की स्टोरी दिखाई गई है। नेक्स्ट, वट एनिसेंट सोर्स डिड शेक्सपियर प्राइमरी यूज फॉर एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा? एंटोनियो और क्लियोपेट्रा के लिए शेक्सपियर ने कौन सा एनिसेंट सोर्स यूज़ किया है? तो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा के लिए शेक्सपियर ने प्लूटार्क का सोर्स जो है वो लिया है। हु इज साइक्रोएक्स इन द प्ले टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट प्ले में जो है साइक्रोएक्स कौन है? तो जो साइक्रोएक्स थी वो मदर ऑफ कैलिबन थी, और कैलिबन जो है इस प्ले का एंटेगोनिस्ट था। हु सेज फ्रेटिलिटी? फ्रेलिटी द नेम इज वोमैन, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा जो है हैमलेट कहता है, और किससे? हिमसेल्फ, अपने आप से, हैमलेट अपने आप से कहता है, और वो जर्ट्रूड के बारे में कह रहा है, लेकिन ये जो है उसकी सोलिलोक्वी है। हु एडोप्टेड द कैरेक्टर ऑफ सिज़ेरियो? सिज़ेरियो का कैरेक्टर कौन एडोप्ट करता है? तो सिज़ेरियो का जो कैरेक्टर है वो ट्वेल्थ नाइट में आपको देखने को मिलेगा, और वो एडोप्ट करती है वोयला। वोयला जो है सिज़ेरियो बन जाती है, यही जो है ये ड्रेस क्रॉस ड्रेसिंग कहलाता है। ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स इज ए क्वोट फ्रॉम, ये क्वोट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ए हॉर्स माई किंगडम फॉर ए हॉर्स, तो ये आपको किंग रिचर्ड थर्ड में देखने को मिलेगी। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट इज ए क्वोट फ्रॉम,
ये जो है कौन से प्ले की कोट है कि मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट, तो ये आपको देखने को मिलेगी द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में। कैसियस पोर्सिया और ऑक्टेवियस आर द कैरेक्टर्स इन, कैसियस पोर्सिया और ऑक्टेवियस कौन से प्ले के कैरेक्टर है, तो ये जूलियस सीजर के कैरेक्टर हैं। इसमें जो पोर्सिया है वो ब्रूटस की वाइफ है, और एक पोर्सिया जो है आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखने को मिलेगी जो कि उस प्ले की हीरोइन है। इन विच प्ले दिस लाइन्स अक्वर, वॉट इज इन द नेम डैट विच वी कॉल ए रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, कि अगर नाम में क्या रखा है, अगर हम जो है एक रोज़ को किसी और अदर नाम से बुला दें तो क्या वो ऐसे ही मतलब उसकी जो स्मेल क्या वो चेंज हो जाएगी। तो ये आपको क्योट जो है ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी रोमियो एंड जूलियट में, और ये जूलियट कहती है। हु रोट शेक्सपियर कॉमेडी एंड शेक्सपियर ट्रेजडी, शेक्सपियर कॉमेडी और शेक्सपियर ट्रेजडी किसने लिखी है, तो ये एच बी चार्ल्टन ने लिखी है। इज ए फोर्स फुल ऑफ बस्टर्स फन एंड लाफ्टर, फोर्स नहीं ये फार्स होना चाहिए, इज ए फार्स, तो ये मतलब कौन सा प्ले है जो कि बोस्टर्स फन और लाफ्टर से फुल है, तो ये लव स्लेबर्स लोस्ट है। इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग किसे कहा जाता है, स्वान सॉन्ग कहा जाता है जो उसका लास्ट वर्क होता है, किसी भी जो है पोइट का राइटर का जो लास्ट वर्क होता है उसको जो है उसका स्वान सॉन्ग कहते हैं। और शेक्सपियर का जो स्वान सॉन्ग है डैट इज़ द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट को जो है शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहा जाता है।